गुरु प्यारी शास्त्र में भी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह। मनदीप कौर जी, आप भी शुरू करोगे जी राम किले की बात? हाँ जी, वाहे गुरु जी, वाहे गुरु, 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 वाहे गुरु जी, सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जीओ, सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जीओ, वाहे गुरु जी। श्लोक। गुरुदेव माता, गुरुदेव पिता, गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा, गुरुदेव सखा ज्ञान पंजन, गुरुदेव बंदिप सहोदरा, गुरुदेव दाता हर नाम उपदेस है, गुरुदेव मंत निरोधरा, गुरुदेव शांत सत बुद्ध मूरत, गुरुदेव पारस परस्परा, गुरुदेव तीरथ अमृत सरोवर, गुरु ज्ञान मजन परंपरा, गुरुदेव करता सब पाप हरता, गुरुदेव पतित पवित करा, गुरुदेव आदि जुगाद जुग जुग, गुरुदेव मंत हर जप उतरा, गुरुदेव संगत प्रभ मेल कर कृपा, हम मूढ़ पापी जित लग तरा, गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर, गुरुदेव नानक हर नमस्करा, गुरुदेव संगत प्रभ मेल कर कृपा, हम मूढ़ पापी जित लग तरा, गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर, गुरुदेव नानक हर नमस्करा, वाहे गुरु जी। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जीओ, राम कली की वार, राय बलवंड तथा सत्य डूम आखी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, नाउ करता कादर करे, क्यों बोल होवे जो खीव दे, दे गुणा सत भैन पराव है, पारंगत दान पड़ी वदे, नानक राज चलाया सच कोट सतानी नीव दे, लहने तरियन छत सिर कर सिफती अमृत पीव दे, मत गुर आत्म देव दी खड़ग जोर पराकुए जी दे, गुर चेले रह रास की नानक सलामत थीव दे, सह टिका दे तोस जीव दे, लहने दी फेराई है नानका दोही खटी है, जो तोहा जुगत साए सहकाया फेर पलटी है, चुलह सुछत निरंजनी मल तखत बैठा गुर हटी है, करे जे गुर फुरमाया सिल जोग अलूणी चट्टी है, लंगर चले गुर शब्द हर तोट न आवी खटी है, खर्चे दित खसम दी आप कह दी खैर दबटी है, ओ वह सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों चटी है, तुद डिठे सच्चे पातशाह
माल जन्म जन्म दी कटी है, सच जे गुर फुरमाया क्यों ए दू बोलो हटी है। पुत्री कोल ना पालियो कर पीरो कन मुरटी है, दिल खोटे आकी फिरन बन पार उचायन छटी है। जिन आखी सोई करे जिन कीती तिन थटी है, कौन हारे किन उबटी है। जिन कीती सो मनना को साल जीवाहे साली, तरम राए है देवता लै गल्ला करे दलाली। सतगुरा खै सच्चा करे सा बात होवे दर हाली, गुर अंगद दी दोही फिरी सच करते बंद बहाली। नानक काया पलट कर मल तखत बैठा सह डाली, दर सेवे उमत खड़ी मस्कल होए जंगाली। दर दरवेश खसम दे नाए सच्चे बाणी लाली, बलवंड खीवी नेक जन जिस बहुती छाओ पतराली। लंगर दौलत वंडी है रस अमृत खीर क्याली, गुर सिखा के मुख उजले मन मुख थी पराली। पए कबूल खसम नाल जा काल मर्दी काली, माता खीवी शो सोए जिन गोए उठाली। और यो गंग वहाइए दुनियाई आखे के क्यों, नानक ईसर जगन्नाथ उचह दी वैण विर क्यों। मा दाना पर्वत कर नेत्र बासक शब्द रिड़ क्यों, चौदह रतन निकालियन कर आवा गौण चिल क्यों। कुदरत है वे खालियन जिन एवड पिड ठिड़क्यों, लहणे तरियोन छत्र सिर असमान की आड़ा छिक्यों। जोत समाणी जोत माहे आप आपे सेती मिक्यों, सिखा पुत्रा कोख कै सब मत वेखो जे क्यों। जासुदोस तलहना टिक्यों, फेर वसाया फेर आन सतगुर खाडूर, जप तप संजम नाल तुद और मुच गरूर। लब विना ही मानसा ज्यो पानी बूर, वरे दरगे गुरु की कुदरती नूर। जित सुहाथ न लभई तू ओ ठरूर, नौ निद नाम निदान है तुद विच भरपूर। निंदा तेरी जो करे सोवन जै चूर, नेड़े दिसते मात लोग तुद सुजै दूर। फेर वसाया फेर आन सतगुर खाडूर, सो टिका सो बहना सोई दीवान, प्यूदा दे जे वेहा पोता परवान। जिन बास्क नेत्र कत्या करने ही तान, जिन समुंद विरोलिया कर मेर मदान। चौदह रतन निकालियन की तुंचा नान, कोड़ा की तो सहजदा जत की ओ पलान। तनख चढ़ायो सत दा जस हंदा बाण, कल विच तू अंदार सा चढ़िया रह पाण। सतो खेत जमायो सतो छावाण, नेत्र सोई तेरी है क्यों मैदा खाण। चारे कुंडा सुजियोस मन में शब्द परवान, आवा गुण निवार्यो कर नदर निशान। ओ तरियाओ तार ले सो पुरख सुजान, चखड़ वाओ न डोली पर्वत मेरान। जाने बिरथा जी की जानी हूँ जान, क्या साला ही सच्चे पातशाह जा तू सुगड़ सुजान। दान जे सतगुर पावसी सो सत्ते दान, नानक हंदा छत्र सिर उमत हैरान। सो टिका सो बहना सोई दीवान, प्यूदा दे जे वेहा पोत्रा परवान।
तन तन राम दास गुर जिन सिरिया तिने सवारिया, पूरी होई करामात आप सिरजण हारे तारिया। सिखी अतै संगति पार ब्रह्म कर नमस्कारिया, अटल अथाह अतोल तू तेरा अंत न पारा वारिया। जिनी तू सेविया पाओ कर से तुद पार उतारिया, लब लोभ काम क्रोध मोह मार कडे तुद स परवारिया। तन सु तेरा थान है सच तेरा पैस कारिया, नानक तू लहना तू है गुर अमर तू विचारिया। गुर डिठा ता मन साधारिया, गुर डिठा ता मन साधारिया। चारे जागे चोहजुगी पंचायण आपे होआ, आपी ने आप साजियोन आपे ही थम खलोआ। आपे पट्टी कलम आप लिखण हारा हुआ, सब उमतावण जावणी आपे ही नवा निरोआ। तखत बैठा हर जन गुरु सतगुर का खिवे चंदोआ, उगवणो ते आत्वणो चौ चक्की कियन लोआ। जिनी गुरु ना सेवियो मन मुखा पया मोआ, दूणी चोणी करामात सच्चे का सच्चा टोआ। चारे जागे चोह जुगी पंचायण आपे होआ, दूणी चोणी करामात सच्चे का सच्चा टोआ। चारे जागे चोह जुगी पंचायण आपे होआ। वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरविंदर भैन जी, श्लोक महला नौवां शुरू करो जी। वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। श्लोक महला नावा इक्यों का सतगुर प्रसाद, गुण गोविंद गायो नहीं जन्म अकारथ कीन। को नानक हर पज मना जय बिद जल को मीन। बिखियन स्यो काहे रचो निमुख न होए उदास, को नानक पज हर मना परे न जम की फास। तरना पो यो ही गयो लियो जरा तन जीत, को नानक पज हर मना ओद जात है बीत। बिरद प्यो सूझे नहीं काल पहुंचो आन, को नानक नर बावरे क्यों न पजे भगवान। तन दारा संपत सगल जिने अपनी कर मान, इनमें कछ संगी नहीं नानक साची जान। पतित उदाहरण पैहरन हर अनाथ के नाथ, को नानक ते जानिए सदा बस्त तुम साथ। तन तन जय तो को दियो तास्यो ने हो नकीन, को नानक नर बावरे अब क्यों डोलत दीन। तन तन संपे सुख दियो अर जे नीके ताम, को नानक सुन रे मना सिमरत काहे न राम। सब सुख दाता राम है दूसर नाहिन कोई, को नानक सुन रे मना तै सिमरत गत होए। जय सिमरत गत पाइये तै पजरे तै मीत, को नानक सुन रे मना ओद कटत है नीत।
पांच तत्व को तन रचो जानो चतुर सुजान जैते उपजो नानका लीन ताए मैं मान कट कट में हर जू बसे संतन कहो पुकार को नानक तें पज मना पौनिध उतरे पार सुख दुख जे पर से नहीं लोभ मोह अभिमान को नानक सुन रे मना सो मूरत भगवान उस्तत निंदया नाही जे कंचन लो समान को नानक सुन रे मना मुक्त ताई ते जान हरख सोग जाके नहीं बैरी मीत समान को नानक सुन रे मना मुक्त ताई ते जान पै काहू को देत ने पै मानत आन को नानक सुन रे मना ज्ञानी ताहे बखान जय बिखिया सगली तजी लियो पेख बैराग को नानक सुन रे मना तैनर माथे पाग जय माया ममता तजी सब ते पयो उदास को नानक सुन रे मना तै कट ब्रह्म निवास जय प्राणी होमे तजी करता राम पछान को नानक वो मुकत नर ए मन साची मान पैनासन दुर्मत हरन कल में हर को नाम निस दिन जो नानक पजे सफल होए ते काम जे बागुन गोबिंद पजो करन सुनो हर नाम को नानक सुन रे मना परे न जम के ताम जो प्राणी ममता तजे लोभ मोह अहंकार को नानक आपन तरे ओरन लेत उधार जो सुपनार पेखना ऐसे जग को जान इनमें कछ साचो नहीं नानक बिन भगवान निस दिन माया कारने प्राणी डोलत नीत कोटन में नानक को नारायण जय जीत जैसे जलते बुध बुधा उपजे बिन से नीत जग रचना तैसे रची को नानक सुन मीत प्राणी कछु न चेते मद माया के अंध को नानक बिन हर भजन फर्त दाए जम फंद जो सुख को चाहे सदा सन राम की ले को नानक सुन रे मना दुर्लभ मानुख दे माया कारण तावई मूरख लोग अजान को नानक बिन हर भजन बिरथा जन्म सिरान जो प्राणी निस दिन पजे रूप राम तै जान हर जन हर अंतर नहीं नानक साची मान मन माया में फद रहो बिसरो गोविंद नाम को नानक बिन हर भजन जीवन कोने काम प्राणी राम न चेते मद माया के अंध को नानक हर भजन बिन परत ताए जम फंद सुख में बो संगी पे दुख में संग न कोए
को नानक हर भज मना अंत सहाई होए। जन्म जन्म प्रमत फिरो मिट्यो न जम को त्रास को नानक हर भज मना निरपय पावे बास। जतन बोत में कर रहो मिट्यो न मन को मान दुर्मत सियो नानक फद्यो राख लियो भगवान। बाल जवानी अर बिरध फुन तीन अवस्था जान को नानक हर भजन बिन बिरथा सब ही मान। करनो तो सो ना कियो पर्यो लोभ के फंद नानक समयो रम गयो अब क्यों रोवत अंध। मन माया में रम रहो निकसत नाहीं नमीत नानक मूरत चित्र ज्यो छाडित नाहीं पीत। नर चाहत कचोर ओरे की ओरे पई चितवत रहो ठगोर नानक फांसी गल परी। जतन बहुत सुख के किए दुखो कियो न कोए को नानक सुन रे मना हर पावे सो होए। जगत पिखारी फिरत है सबको दाता राम को नानक मन सिमरते पूरन होवे काम। झूठे मान कहाँ करे जग सुपने ज्यों जान इनमें कछ तेरो नहीं नानक के ओ बखान। गर्व करत है देखो बिन से छिन में मीत जे प्राणी हर जस के ओ नानक ते जग जीत। जे कट सिमरन राम को सो नर मुक्ता जान ते नर हर अंतर नहीं नानक साची मान। एक भगत भगवान जय प्राणी के नाहे मन जैसे सूकर स्वान नानक मानो ताहे तन। स्वामी को ग्रह जो सदा स्वानत जतने नित नानक बिद हर पजो एक मन होए एक चित। तीर्थ व्रत अरदान कर मन में तरे गुमान नानक ने फल जात ते जो कुंचर स्नान। सिर कंप्यो पग डग मगे नैन ज्योत ते हीन को नानक बिद पई तो नहर रसलीन। निज कर देखो जगत में को काहू को नाहे नानक थिर हर भगत है तेरा को मन माहे। जग रचना सब झूठ है जान ले ओ रे मीत कै नानक थिर ना रहे जो बालू की पीत। राम गयो रामन गयो जाको बो परवार को नानक तिर कछ नहीं सुपने जो संसार। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए ए मार्ग संसार को नानक तिर नहीं कोए। जो पजो सो बिनस है परो आज के काल नानक हर गुण गाए ले छाड़ सगल जंजाल। दोरा बल छुटके बंधन परे कछु ना होते उपाय कहो नानक अब ओट हर गज ज्यों हो सहाय।
बल होआ बंधन छुटे सबके चोत उपाए। नानक सब किछ तुमरे हाथ में तुम ही होत सहाय। संग सखा सब तज गए कौन निभ्यो साथ। को नानक ए विपत में टेक एक रघुनाथ। नाम रयो साधु रयो रयो गुर गोविंद। को नानक ए जगत में किन जप्यो गुर मंत्र। राम नाम उर में गयो जाके सम नहीं कोए। जैसे मरत संकट मिटे दरस तुहारो होए। राम नाम उर में गयो जाके सम नहीं कोए। जैसे मरत संकट मिटे दरस तुहारो होए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। शब्द हजारे माज महला पंजमा चौप दे कर पहला। मेरा मन लोचे गुरदर्शन ताई बिलप करे चा तरक्की न्याई। त्रिखा न उतरे सांत न आवे बिन दर्शन संत प्यारे। जियो हो कोली जियो कोल कमाई गुरदर्शन संत प्यारे। जियो रहाओ तेरा मुख सहावा जियो सहज तुन बाणी। चिर होआ देखे सारंग पाणी तन सो देस जहा तू बसिया। मेरे सज्जन मीत मुरारे जियो हो कोली हो कोल कमाई गुर सज्जन मीत मुरारे। जियो रहो एक घड़ी न मिलते ता कल युग होता। हुण कद मिलिए प्रिय तुद भगवंता। मोहे रहण ना बिहावे नींद ना आवे बिन देखे गुर दरबारे। जियो हो कोली जियो कोल कमाई तिस सच्चे गुर दरबारे। जियो रहो पाग होआ गुर संत मिलाया। प्रभा विनासी कर मैं पाया। सेव करी पल चसन बिछड़ा जन नानक दास तुम्हारे। जियो हो कोली जियो कोल कमाई जन नानक दास तुम्हारे। जियो रहो तनासरी महला पहला कर पहला चौप दे। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर। अकाल मूरत अजूनी सह भंगुर प्रसाद। दियो डरत है अपना कैसे ओ करी पुकार। दुख बिसारण सेविया सदा सदा दातार। साहिब मेरा नीत नवा सदा सदा दातार। रहाओ आंदन साहिब सेविये अंत छडाए सोए। सुन सुन मेरी कामनी पार उतारा होए। दयाल तेरे नाम तरा सद कुरबाने जाओ। रहाओ सरबंग साचा एक है दूजा नाही कोए। ताकि सेवा सो करे जाको नदर करे। तुद बाज प्यारे केव रहा सा बड़ियाई दे। जित नाम तेरे लाग रहा दूजा नाही कोए। जिस आगे प्यारे जाए कहा रहा। सेवी साहेब अपना वरना जाचो कोए। नानक ताका दास है बिंद बिंद चुख चुक होए। साहेब तेरे नाम बिटो बिंद बिंद चुख चुख होए। रहाओ किलांग महला पहला कर तीजा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। तन माया पाहया प्यारे लीतड़ा लब रंगाए। मेरे कंत ना पावे चूलड़ा प्यारे क्यों तन से जय जाए। हों कुरबाने जाओ मेहरबाना हों कुरबाने जाओ। हों कुरबाने जाओ तिना के लैन जो तेरा नाम। लैन जो तेरा नाम तिना के हों साध कुरबाने जाओ। राओ काया रंगन जेतिए प्यारे पाइए नाम जीठ। रंगन वाला जी रंग साहिब ऐसा रंग न डीठ। जिनके चोले रतड़े प्यारे कंत तिना के पास। तूड़ तिना की जे मिले जी को नानक की अरदास।
आपे साजे आपे रंगे आपे नदर करे नानक कामन कंते पावे आपे ही रावे इलांग महला पहला यानड़िये मानड़ा काय करे हे आपनड़े कर हर रंगो की ना माने हे सौ नेड़े तन कमलिये बाहर क्या टूटे पैकिया देहे सलाया नैनी पाव का कर सिगारो ता सुहागन जानिए लागी जा सौ तरे प्यारो यानी बाली क्या करे जा तन कंत न पावे करण पला करे बहु तेरे सा तन महल न पावे बिन कर्मा किच पाइए नाही जे बो तेरा तावे लाभ लोभ अहंकार की माती माया माहे समाणी इनी बाती सो पाइए नाही पई कामण आणी जाए पुछो सुहागणी बाहे किनी बाती सो पाइए जो किच करे सो भला कर मानिए हिकमत हुक्म चुकाइए जा के प्रेम पदार्थ पाइये तो चरणी चित लाइये सौ कहे सो की जय तन मनो दीजे ऐसा परमल लाइये एव कहे सो हागणी पैणे इनी बाती सौ पाइये आप गवाइये ता सौ पाइये और कैसी चतराई सौ नजर कर देखे सो दिन लिखे कामण नौ निध पाई अपने कंत प्यारी सा सुहागण नानक सा सबराई ऐसे रंग राती सहज की माती एनस पाए समाणी सुंदर साए स्वरूप विचखण कहिए सा स्याणी सुही महला पहला कौन तराजी कवन तुला तेरा कवन सराफ बुलावा कौन गुरु के पै दीखिया लेवा कै पै मुल करावा मेरे लाल जियो तेरा अंत न जाना तू जल थल मैयल भरपुर लीना तू आपे सर्व समाणा रहो मन तरा जी चित तुला तेरी सेव सराफ कमावा कट ही पीतर सौ सो तोले इन वेद चित रहावा आपे कंडा तोल तरा जी आपे तोलन हारा आपे देखे आपे बूझे आपे है बनजारा अंधला नीच जात पर देसी खेन आवे तिल जावे ताकि संगत नानक रहदा क्यों कर मूड़ा पावे एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर काल मूरत यूनी सैपंगुर प्रसाद राग बिलावल महला पहला चौप दे कर पहला तू सुल्तान कहो मियां तेरी कवन बड़ाई जो तू देह सो कहा स्वामी मैं मूर्ख कह न जाई तेरे गुण गावा देह बुझाई जैसे सच मैं रहो रजाई रहाओ जो किछ होआ सब किछ तुझते तेरी सब असनाई तेरा अंत ना जाना मेरे साहेब मैं अंधले क्या चतराई क्या हो कथी कथे कथ देखा मैं कथ ना कथ ना जाई जो तुद पावे सोई आखा तिल तेरी बड़ियाई एते कुकुर हो बेगाना पौका इस तन ताई भगत भगत हीन नानक जे होएगा ता खसमे नौ ना जाई बिलावल महला पहला मन मंदर तन बेस कलंदर कट ही तीरथ नावा एक शब्द मेरे प्राण बस्त है बहुत जन्म ना आवा मन बेद्या दयाल सेती मेरी माई कौन जाने पीर पराई हम नाही चिंत पराई रहो अगम गोचर लख पारा चिंता करो हमारी जल थल महियल पर पुर लीना कट कट जोत तुम्हारी सिख मत सब बुद्ध तुम्हारी मंदर शावा तेरे सिख मत सब बुद्ध तुम्हारी मंदर शावा तेरे तुझ बिना वरना जाना मेरे साहिबा गुण गावा नित तेरे जी जंत सब सरण तुम्हारी सर्व चिंत तुद पासे जो तुद पावे सोई चंगा एक नानक की अरदासे जी जंत सब सरण तुम्हारी सर्व चिंत तुद पासे
जो तुद पावे सब सोई चंगा, एक नानक की अरदासे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु, वाहिगुरु। शस्त्रण सोत हिरण भीतर, शस्त्रण 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 सो अत हिरण भीतर, जूझ मरो तो सच पति जय। तन 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 श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी, तन तन दशमेश पिताजी, तन तन दशमेश पिताजी। वाहिगुरु, वाहिगुरु, वाहिगुरु। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। वाहिगुरु। शस्त्र नाम माला दोहरा, साक्ष रोई सैफ अस तीर्थ पग तलवार, संतरात कव चात कर करिये रचमार, अस कृपा धारा दरी सूजम दौड़, कव चातक संतरात करते ती दरबार, अस कृपा खंडो खड़क तुपक तवर आरती, सह सरोही सहती ये हमारे पीर, ती तुही सहती तुही तुही तवर तलवार, नाम तिहारो जो जपे पे सिंध पव पार, का तुही काली तुही तुही तेग आती, तुही निशानी जीत की आ तुही जगवी, तुही सुसहती तबर तू निकंगरवान, तुही कटारी सेल सब तुम्ही करत कृपान, शस्त्र अस्त्र तुम्ही त्रिपर तुम्ही कवर निखंग, कवचा तक तुम ही बने तुम व्याप सर्वंग, श्री तुम सब कारण तुही तुम विद्या को सार, तुम सबको पराज ही तुम ही ले उबार, तुम ही दिन रजनी तुही तुम्ही जिन उपाय, कौतक हिरण के नमित तिन मो बार बढ़ाए, अस कृपा खंडो खड़ग सैफ तेग तरवार, रच करो हमरी सदा तम चात करवार, तुही कटारी दार जम तू बिचोरवान, तो पत पद जे लीजिए रच दास मोए जान, बांक बर बिछो तुही तबर तरवार, तुही कटारी सहती करिये रच हमार, तुम्ही गुर तुम्ही गदा तुम्ही तीर्थ फंग, दास जान मोरी सदा रक्षा करो सर्वंग, छुरी कलम रिप करद पन खंजर भुगदानाए, अदरिजक सब जगत को मोए तुम लियो बचाए, प्रथम उपाओ जगत तुम ही पंथ बनाए, आप तुम्ही जगरा करो तुम्ही करो सहाय, मच्छ कच्छ बढ़ा तुम बामन अवतार, नारसिंह बदा तुही जगत को सार, तुही राम श्री कृष्ण तुही विषण को रूप, तुही प्रजा सब जगत की तुही आप ही भूप, तुही विप छत्री तुही रंग अराओ, साम दाम अर दंड तुही भेद उपाओ, शीश तुही काया तुही तै प्राणी के प्राण, तै विद्या जग भक्त होए करे वेद बखियान, विसिख वान तन खागर पन सन कै बर जय नाम,
तीर्थतंग ताचे सदा करो मम काम तैनी राले शस्त्र अमृग कंतक ससबान तुम बैरन प्रथम हने बौरे बजे कृपान तुम पाटस पासी परस्परम सिद्ध की खान तेज के राजा बे दिए तव जे वरदान श्री शस्त्र अर्यार अस खंडो खड़क कृपान शक सुरेश तुम कियो भगत आपनो जान जमदर जमदाड़ा जब जो दातक जैनाए लूट गूट ली जत्ती ने जो बिन बादे जाए बांख बज बिछो बिसिक बिरे बान सब रूप जिनको तुम कृपा करी पे जगत के फूप शस्त्र से सम्राट कर सिपरा शमशेर मुकत जा जम के पे जिमे कही है एक बेर सरोई शस्त्र अर सारंग जय नाम सदा हमारे चित्त बसो सदा करो मम काम सदा हमारे चित्त बसो सदा करो मम काम इत श्री नाम ला पुराने श्री भगवती उस्तत पिथम त्याय स्मातम सत शुभम सत अत श्री चक्र नाम वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कितनी सेव है जी संगत जी सुखमनदीप जी आप कर लो चौपी से सुखमनदीप कौर जी चौपी से कर लो नाम श्री वाहेगुरु साहिब जी एक ओंकार श्री आज बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दैर अच्छा पूरन होए की इच्छा तब चरणन मन रह हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सब तुम काव हो आप हाथ दे मोहे बचाव हो सुखी बसै मोरो परिवारा सेवक सिख सब करतारा मोर अच्छा निर दै करिये सब बैरन कव आज संगरिये पूर्ण होए हमारी आशा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें शाड कोई अवर नाते आऊं जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारिय है चुन चुन सत्र हमारे मारिय है आप हाथ दे मुझे उबरिय मरण काल का त्रास निवरिय पूजो सदा हमारे पच्छा श्री अस तुझ जो करिय रक्षा राख लेहो मोहे राखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर दश कंता काल पाए ब्रह्मा बपतरा काल पाए शिव जू अवतरा काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा जू थियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जक्षण उपजायो आद अंत एक है अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी सेवकन को सब गुण सुख दियो सत्रन को पल मोबद कियो काट काट के अंतर की जानत पले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर अस्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर खुला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाना काट काट के पट पट की जाना जब उदकरख करा कर तारा प्रजा तरत तब देह अपारा
जब आ करख करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह कर सब हूँ जेते बदन श्रिष्ट सब तार आप अपनी बुझ उचार तुम सब ही ते रहत निरालम जानत बेद भेद अर आलम निरंकार निर्विकार निरलंब आद अनिल अनाद असंभ ताका मूड उचारत भेदा जा को पेव न पावत बेदा ताकाओ कर पाहन अनुमानत महामूड कछ भेद न जानत महादेव कौ कहत सदा शिव निरंकार का चीनत नह पेव आप अपनी बुद्ध है जेती बरनत पिन पिन तुह तेती तुमरा लखा न जाए पसारा केह विद सजा प्रथम संसारा एक उत्पुज खान बहुर रच दीनी कहूं फूल राजा हुए बैठा कहूं सिमट पयो शंकर इकैठा सिगरी सरिष्ट दिखाए अचंपव आद जुगाद स्वरूप स्वयं अबर मेरी तुम करो सिख उबार सिख संग्रो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रणकाता जे असुतुज तब सरने परे तिनके दुष्ट दुख तो हुआ मरे पुरख जवन संकट सबटारे कबार ते आ है ताके काल निकट नह आ है रच्छा होए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट तरह तत्काला कृपा दरिष्ट तन जाहे ने हर हो ताके ताप तनक मह हर हो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शाह श्वास कह ना कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास ते ताहे उबारा जिन नर नाम तिहारो कहा दारिद दुष्ट दुख दे रहा खड़ग केत मैं शरण तिहारी आप हाथ दाले हो उबारी सर्व ठौर मोह हो कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूरन सुबराता केरविख सकल देह को हरता दुष्ट दुखियन को शय करता श्री अस्तुज जब पै दयाला पूरन करा ग्रंथ तत्काल मन बांछत फल पावे सोई दुख न तिसे व्यापत कोई अड़ेल सुना गोंग जो याहे सुरसना पावई सुना मूड चित लाए चतुरता आवई दुख दर्द पाओ निकट न तिन नर के है वो जो या की एक बार चौपई को कह चौपई अर्ध सहस पुन तीन कही जाव सुधी अष्टमी रववार तीर सुद्रव ग्रंथ सुधारा स्वया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं अन्यो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न मान्यो सिमृत शास्त्र वेद सब बहु वेद कहे हम एक न जान्यो श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं न सब तो हे बखान्यो दोहरा सगल द्वार को शाड गहयो सगल द्वार को छाड़ के गयो तुम्हारो द्वार बाए गए की लाज अस गोविंद दास तुहार वाहिगुरु जी वाहिगुरु वाहिगुरु जी रहरा साहेब वाहिगुरु जी रहरा साहेब हर जुग जुग भगत उपाया पैज रखदा आया राम राजे हर नाकश दुष्ट हर मारिया प्रहलाद तराया अहंकारिया निंदका पिट दे नाम देव मुख लाया जन नानक ऐसा हर सेविया अंत लय छड़ाया श्लोक महला पहला दुख दारू सुख रोग पया जा सुख काम न होई तू करता करना मैं नाही जाहो करी न होई
बलिहारी कुदरत वस्या तेरा अंत न जाई लग्या रहाओ। जात में जोत जोत में जाता अकल कला भरपूर रहा। तू सच्चा साहिब सिफत सालियो जिन की तीसो पार पया। कहो नानक करते किया बाता जो किछ करना सो कर रहा। सोदर राग आसा महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सोदर तेरा के हा सो कर के हा चित पे सब संभाले। वाजे तेरे नाद अनेक असंखा केते तेरे वावन हारे। केते तेरे राग प्रेसियो कहिए केते तेरे गावन हारे। गावन तुदनो पवन पानी बसंतर गावे राजा धर्म द्वारे। गावन तुदनो चित गुपत लिख जानन लिख लिख करम बिचारे। गावन तुदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सवारे। गावन तुदनो इंद्रासन बैठे देव त्या दर नाले। गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर गावन तुदनो साध बिचारे। गावन तुदनो जति सती संतोखी गावन तुदनो वीर करारे। गावन तुदनो पंडित पढ़न रकीसर जुग जुग वेदा नाले। गावन तुदनो मोहनिया मनमोहन स्वर्ग मैच प्याले। गावन तुदनो रतन उपाय तेरे अठसठ तीरथ नाले। गावन तुदनो जोत महाबलसूरा गावन तुदनो काणी चारे। गावन तुदनो फल मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे तारे। सही तुदनो गावन ज्योत पावन रते तेरे भगत रसाले। और केते तुदनो गावन से मैं चितन आवन नानक क्या भी चारे। सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई। है भी होसी जाए न जासी रचना जन रचाई। रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जन उपाई। कर कर देखै कीता अपना ज्योतिष दी वड्याई। ज्योतिष पावै सोई कसी फिर हुकम न करना जाई। सो पातशाहो सा पत साहिब नानक रहन रजाई। आसा महला पहला सुन वड्डा आखे सब होए केवट वड्डा डीठा होए। कीमत पाए न कहया जाए कहने वाले तेरे रहे समाए। वड्डे मेरे साहेबा गहन गैर गंभीरा गुणी कहीरा। कोई न जाने तेरा केता केवट जीरा रहाओ। सब सुरती मिल सुरत कमाई सब कीमत मिल कीमत पाई। ज्ञानी त्यानी गुरु गरहाई कहन न जाई तेरी तलवड़ियाई। सब सत सब तप सब चंगियाईया सिद्धा पुरखा किया वड़ियाईया। तदवंशदी किने न पाईया करम मिले नाही ठाकर हाईया। आखन वाला किया वेचारा सिफती परे तेरे पंडारा। जिस तू दे तसे क्या चारा नानक सच सवारण हारा। असा महला पहला आखा जीवा विसरे मर जाओ। आखन औखा साचा नाओ साचे नाम की लागे भूख। उत भूखे खाए चलिए दूख सोक्यो विसरे मेरी माए। साचा साहिब साचे नाए रहाओ साचे नाम की तिल उड़ियाई। आख के कीमत नहीं पाई जे सब मिलके आखन पाए। होडा न होवे काट न जाए ना उमरे न होवे सोग। देदा रहे न चुके भोग गुण एहो हो नाही कोए। ना को होवा ना को होए जे वड आप ते वड तेरी दात। जिन दिन करके कीती रात कसम विसारे ते कम जात। नानक नावे बाज सनात राग गुजरी महला चौथा। हर के जन सतगुर सतगुर का बिनो करो गुर पास। हम कीरे किरम सतगुर शरणाई कर दया नाम पर गास। मेरे मीत गुरुदेव मुकु राम नाम पर गास। गुरमत नाम मेरा पान सखाई हर कीरत हमरी रह रास रहाओ। हर जन के वड पाग वडेरे जिन हर हर सरदा हर प्यास। हर हर नाम ले तपता से मिल संगत गुण प्रकाश। जिन हर 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 रस नाम न पाया ते पागहीन जम पास। जो सतगुरु शरण संगत नहीं आए तिग जीवे तिग जीवास। जिन हर जन सतगुरु संगत पाई तिन पुर मस्तक लिखिया लिखास। तन तन सत संगत जित हर रस पाया मिल जन नानक नाम प्रकाश। राग गुजरी महला पंजवा काहे रेमन चित्वे उद्दम। जा आहर हर जियो परिया सैल पत्थर में जंत उपाय। ताकर जग आगे कर तरिया मेरे माधो जी सत्संगत मिले सुतरिया। गुर प्रसाद परम पद पाया सूखे काष्ट हरिया रहाओ। जनन पिता लोक सत बनता कोई न किसकी तरिया। सिर सिर जग संभाहे ठाकुर काहे मन पव करिया। उड़े उड़ आवे से कोसा तिस पाछे बचरे छरिया। तिन कवन खलावे कवन चुगावे मन में सिमरन करिया।
सब निधान दस अष्ट सिधान ठाकुर कर तल करिया जन नानक बल बल सद बल जाइये तेरा अंत न पारावरिया राग आसा महला चौथा सुब्र एक ओंकार सुपुर प्रसाद सो पुरक निरंजन हर पुरक निरंजन हर अगमा अगम अपारा सब त्यावह सब त्यावह तुझी हर सच्चे से जनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्यावो संतो जी सब दुख विसारण हारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू कट कट अंतर सर्व निरंतर जी हर एको पुरक समाणा एक दाते एक भिखारी जी सब तेरे चोज विडाणा तू आपे दाता आपे पुत्ता जी हो तुद बिन अवर न जाना तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख खाना जो सेवह तुझी जन नानक तिन पर बाणा हर त्यावे तुझी से जन जुग में सुखवासी से मुखत पये जिन हर त्याया जी तिन तूटी चमकी फासी जिन निरपो जिन हर निरपो त्याया जी तिन का पो सब गवासी जिन सेव्या मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी ते तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत पंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहंत जी हर अनेक अनेक अनंता तेरी अनेक करे हर पूजा जी तप तापे जपे बेअंता तेरे अनेक पड़े बहु सिमृत आसुक जी कर क्रिया खत करम करंता से भगत पले जन नानक जी जो पावे मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जेवड़ अवर न कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निश्चल करता सोई तुद आपे पावे सोई वरते जी तू आपे करे सब होई तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी तुद आपे सृज सब होई जन नानक गुण गावे करते के जी जो सबसे का जान होई आसा महला चौथा तू करता सचार मैंडा साई जो तू पावे सोई तीसी जो तू दे सोई हो पाई रहा हो सब तेरी तू सबनी त्याया जिसनु कृपा करे तिन नाम रतन पाया गुरमुख लाधा मनमुख गवाया तुद आप विछोड़िया आप मिलाया तू दरियाओ सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई ना है जी जंत सब तेरा खेल विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल जिसनो तू जान आई है सोई जन जाने हर गुण सदी आख वखाणे जिन हर सेविया तिन सुख पाया तैजे ही हर नाम समाया तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिन दूजा अवर न कोए तू कर कर वेखे जाने सोए जन नानक गुरमुख प्रकट होए आसा महला पहला तित सरवड़े पई लै निवासा पानी पावक तिने किया पंकज मोह पग नहीं चाले हम देखा तह डूबियाले मन एक न चेत समूढ़ मना हर बिस्रत तेरे गुण कल्या रहाओ ना हो जति सती नहीं पड़िया मूर्ख मुग्धा जन्म पया परमत नानक तिनकी सरना जिन तू नाही विसरिया आसा महला पंजवा पई प्राप्त मानुक दे हुरिया गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया अवर काज तेरा कितै न काम मिल साध संगत पज केवल नाम सरंजाम लाख जल तन कै जन्म बिथा जात रंग माया कै रहाओ जप तप संजम तरम ना कमाया सेवा साधन जान्या हर राया कहो नानक हम नीच करम्मा शरण परे की राखो शर्मा जब यो बाज बेंती चौपाई हमरी करो हाथ दे रक्षा पूरन होए चित्त की इच्छा तब चन्न मन रहे हमारा अपना जान करो पुतपारा हमरे दुष्ट सबे तुम पावो आप हाथ दे मोहे बचावो सुखी बसे मोरो परिवारा सेवक सिख सबे करतारा मोर अच्छा निज कर दे करिये सब बैरन को आदि सुधरिये पूरन होए हमारी आसा तोर भजन की रहे प्यासा तो मैं छाड़ कोई अवर न त्याऊं जो बर चाहूं सो तुम तय पाऊं सेवक सिख हमारे तारिये चुन चुन सत्र हमारे मारिये आप हाथ दे मुझे उबरिये मरण काल का त्रास निवरिये पूजो सदा हमारे पच्छा सी असुजु करियो रक्षा राख लियो मैं राखन हारे साहिब संत सहाय प्यारी
दीन बंधु दुष्टन के हंता तुम प्रिय चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा भक्तरा काल पाए शिव जी भक्तरा काल पाए कर विषम प्रकाशा सकल काल का किया तमसा। जवन काल जो गीसी कियो वेद राज ब्रह्मा जो कियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है काय हमारा। जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जच्छन उपजायो आद अंत एक है अवतारा सोई गुरु समझेओ हमारा। नमस्कार तिसी को हमारी सकल पूजा जन आप सवारी शिवकन को शिव गुण सुख दियो सकलन को परमो बद कियो। कट कट के अंतर की जानत पदे बुरे की पीर पुछानत चीटी ते कुंचर अस्थूला सकल कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पहचाने कट कट के पट पट की जाने। जब उदक करक करा कर तारा प्रजा दर्द तब देह अपारा जब आग्रह करत हो कभू तुम मैं मिलत देह कर सब हूँ। देते बदन शिष्ट सब तारे आप अपनी बूझ उचारे तुम सब ही ते रहत निरालम जानत वेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद संभ ताका मूड उचारत पेदा जाको पेवन पावत बेदा ताको कृपाहन अनुमानत महामूड कछ भेद न जानत। महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का चीनत नह पिव आप अपनी बुध जेती बनत पिन पिन तुह तेती। तुमरा लखन जाय पसारा के बिथ सजा प्रथम संसारा एक है रूप अनूप स्वरूपा रंत भयो राव कई पूपा। अंडज जेरज सेतज कीनी उत्पुज कान भोर रच दीनी कहूं फूल राजा हर बैठा कहूं सिमर पे संकर इकैठा। सगरी सिष्ट दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप से अंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो। दुष्ट जिते उत्पत उत्पाता सकल लेश करो रण काता। जे अस्तुज तव सनी परे तिनके दुष्ट दुख थवे मरे। पुरख जवन पक परे तिहारे तिनके तुम संकट सब तारे। जो कल को एक बात ये है ताके काल निकट नहीं अह। रक्षा होए ताए सब काला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला। कृपा दुष्ट तन जाहे निहर हो ताके ताप तनक मोहरि हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होए दुष्ट इच्छा छवे सके न कोई। एक बार जंत मैं समारा काल पास ते ताए उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा दारिद दुष्ट लोपे रहा। खड़ग केत में शरण तिहारी आप हाथ दे ले हो उबारी। तरब ठोर मोहो सहाई दुष्ट लोक ते ले हो बचाई। सवैया पाए गए जब ते तुमरे तब ते को आकतरे नहीं आन्यो। राम रहीम पुराण पुराण अनेक कह मत एक न मान्यो। सिमृत शास्त्र वेद सब भेद कहे हम एक न जान्यो। श्री असमान कृपा तुमरी कर मैं न कहो सब तो हे बखान्यो। दोरा सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार। बाहे गए की लाज अस गोविंद दास तुहार। राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सगुर प्रसाद। आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। सतगुरुता पाया सहज से ती मनव जिया वधाया। राग रतन परवार परिया सबद गावन आया। शब्द गावो हरि के रा मन जिनी बसाया। वह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया। हे मन मेरिया तू सदा रो हर नाले। हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना। अंगीकारो करे तेरा कारज सब सवारना। सब नागला सम्राट स्वामी सो क्यों मनो विसारे। कह नानक मन मेरे सदा रो हर नाले। साचे साहेबा क्या नहीं पर तेरा। करता तेरे सब किच है जिस दे सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी ना मन वसावे। नाम जिनके मन वस्या वाजे सब कनेरे। कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं कर तेरे। साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जिन पुखा सब गवाइया। कर शांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया।
ਸਦਾ ਗੁਰਬਾਣ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਵਿਟੋ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ ਤਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸਬਦ ਕਰੋ ਪਿਆਰੋ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਸਬਦ ਕਰ ਸਪਾਗੇ ਸਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤਰ ਤਾਰਿਆ ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ ਦੁਰਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਲਾਗੇ ਤਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ ਤਿਤਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਪਾਗਿਓ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਪਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਤੰਤ ਸਾਜਨ ਪਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਤਿਗੁਰ ਰਿਆ ਪਰਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਤਿਗੁਰ ਰਿਆ ਪਰਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਪਿਓ ਜਿਸਕਾ ਸਭ ਅਧਾਰੋ ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੇ ਜੇ ਕੋ ਪੁੰਚੈ ਤਿਸਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ ਇਹ ਵਸਤ ਜੀ ਨ ਜਾਈ ਨਿਤ ਨਿਤ ਰਖ ਉਤਾਰੋ ਤਮ ਸੰਸਾਰ ਚੰਨ ਲਵ ਤਰੀਏ ਸਭ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰੋ ਸਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ ਮੈਨੋ ਜੋਗ ਕੀ ਤੋਈ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣਿਆ ਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਯੋਈ ਤਰਸ ਪਿਆ ਮਹਿਰਾ ਮਤ ਹੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਸਜਣ ਮਿਲਿਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾ ਜੀਵਾ ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰੇ ਆ ਪੌੜੀ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾਹੇ ਉਥੇ ਤੇਰੀ ਰੱਖ ਅਗਨੀ ਉਦਰ ਮਾਹੇ ਸੁਣ ਕੇ ਜਮ ਕੇ ਦੂਤ ਨਾਹੇ ਤੇਰੇ ਛੱਡ ਜਾਏ ਉਹ ਜਲ ਬਿਕਮ ਅਸਗਾ ਹੋ ਗੁਰਸਬ ਦੀ ਪਾਰ ਪਾਹੇ ਜਿਨ ਕੋ ਲਗੀ ਪਿਆਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੇ ਖਾਹੇ ਕਲਮੇ ਇਹੋ ਪੁੰਨ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਹੇ ਸਬਸੇ ਨੋ ਕਿਰਪਾਲ ਸਮਾਲੇ ਸਾਹੇ ਸਾਹੇ ਬਿਥਾ ਕੋਈ ਨ ਜਾਏ ਜੇ ਆਵੇ ਤੁਧ ਆਹੇ ਸਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਆਰਾਧਨਾ ਜਿਵਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਉ ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਖਣਾ ਸਵਣੀ ਸੁਣਨਾ ਗੁਰ ਨਾਉ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇ ਤੀਰਤਿਆ ਦਰਗਹਿ ਪਾਈਐ ਠਾਉ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿਸਨੋ ਏ ਵਤ ਦੇ ਜਗ ਮੈਂ ਉੱਤਮ ਕਾਢੀਏ ਵੇਲੇ ਕੇਈ ਕੇ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਰੱਖੇ ਰੱਖਣ ਹਾਰ ਆਪ ਉਬਾਰੀਅਨ ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਏ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਅਨ ਹੋਆ ਆਪ ਦਿਆਲ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਾਰਿਅਨ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੇ ਸੰਗ ਪਉ ਜਲ ਤਾਰਿਅਨ ਸਾਕਤ ਨਿੰਦਕ ਦੁਸ਼ਟ ਖਿਨ ਮਾਹੇ ਵਿਦਾਰਿਅਨ ਤਿਸ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਟੇਕ ਨਾਨਕ ਮੰਨੈ ਮਾਹੇ ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਹੋਏ ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਜਾਏ ਇਸ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਟੇਕ ਨਾਨਕ ਮੰਨੈ ਮਾਹੇ ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਹੋਏ ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਜਾਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਲੋਕ ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸੁਆਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਖਾ ਅਗਿਆਨ ਭੰਜਨ ਗੁਰਦੇਵ ਬੰਦੇ ਪਰ ਸਹੋਦਰਾ ਗੁਰਦੇਵ ਦਾਤਾ ਹਰ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸੈ ਗੁਰਦੇਵ ਮੰਤ ਨਿਰੋਧਰਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸ਼ਾਂਤ ਸਤ ਬੁੱਧ ਮੂਰਤ ਗੁਰਦੇਵ ਪਰਸ ਪਰਸਪਰਾ ਗੁਰਦੇਵ ਤੀਰਥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਮਜਨ ਅਪਰੰਪਰਾ ਗੁਰਦੇਵ ਕਰਤਾ ਸਭ ਪਾਪ ਹਰਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਕਥਿਤ ਪਵਿੱਤ ਕਰਾ ਗੁਰਦੇਵ ਆਦ ਯੁਗ ਆਦ ਯੁਗ ਯੁਗ ਗੁਰਦੇਵ ਮੰਤ ਹਰ ਜਪ ਉਧਰਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਹਮ ਮੂੜ ਪਾਪੀ ਜਿਤ ਲਗ ਕਰਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੁਰਦੇਵ ਨਾਨਕ ਹਰ ਨਮਸਕਰਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੁਰਦੇਵ ਨਾਨਕ ਹਰ ਨਮਸਕਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰ ਲੇਗਾ
वाहिगुरु जी तो ठाकुर तुम अरदास जियो पिंड सब तेरी रास तुम मात पिता हम बारिक तेरे तुमरी कृपा में सुख गनेर कोई न जाने तुमरा अंत चेते ऊचा भगवंत सगल समगरी तुमरे सुतरदारी तुम ते होए सो आगे आकारी तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी दो कर जोड़ करु अरदास तू पावे ताने रास अरदास एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वाह श्री भगवती जी की पाछे दसवीं प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लेते आए फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास सह कोई सहाय अर्जन हर गोविंद नो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण जी ते आइए जिसके सब दुख जाए ते बहादुर सिमरिए कर नौनी दे आवे ताए सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज सब थाई होए सहाय तसा पातशाहियां दी जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान धरके बोलो जी वाहिगुरु पंजा प्यारियां चों सबजादियां चाली मुक्तियां अठियां जपियां तपियां जिन्हां तेरा नाम जपिया वंड के छकिया देख चलाई तेग वाई देख के अंगड़ किता तिन्हां प्यारियां सत्यारियां दी पवित्र कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी साहिब बोलो जी वाहिगुरु जिन्हां सिंघां सिंघियां ने करम हित सीस दिते बंद बंद कटाए खोपड़ियां लुहाइया झरकियां चढ़े तनारिया नाल चिराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां दित्तियां धर्म नहीं हारिया सिखी सिद्धक केसा स्वासा संग निभाई इन्हां दी पित्तर कमाई दा ध्यान करके खालसा जी साहिब बोलो जी वाहिगुरु पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दे दर्शन दीदार दा ध्यान करके बोलो जी वाहिगुरु पितमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु नाम चितावे चितावन का सुखा सर्ब सुख होवे जां जां खालसा जी साहिब तां तां रचिया रिया देख देख फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी साहे खालसा जी के बोल बाले बोलो जी वाहिगुरु आप जी दे सिखां नूं सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान परोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहिगुरु आप दे सिखां दा मन नीवा मत उच्ची मत पदा रखा वाहिगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दतार जियो श्री ननकाना साहिब ते होर गुरुद्वारियां गुरुधामां जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार अते सेवा संभाल दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो ए निमानिया दे मान नितानियां तान नियोटियां दी ओट न्यासियां दे आसरे निपतियां दी पत तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज धन धन गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज धन धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह धन धन श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी महाराज आप जी की अपार बख्शिश रहमत सत्कार आप जी ने अमृत जीवन कोश की सारी संगत के सीस से मेर पर हाथ रख के संध्या वेले के दीवान सजाए सजे हुए दीवाना विच आप जी की सरबत संगता ने अपने अपने ग्रह विखे बैठ के रल मिल के जुड़ के सच्चे पातशाह जीओ आप जी की अमृत में बानी सोद आप जी की अमृत में बानी राम कली की वार श्लोक महला नौवा जी के पाठ शब्द जारे साहिब के पाठ शस्त्र नाम माला जी के पाठ एक पाठ चुपई साहब उपरंत संध्या वेले की बानी सोदर है रास साहिब जी के पाठ जी की अरदास जी की सेवा आप जी ने आप अपनी सरबत संगतां दे सीस ते मेहर पर हाथ रख के लई सच्चे पातशाह जी आप जी का कुटान कुट शुकराना आप जी ने आप सारी संगतां दे सीस ते बख्शिश भरी निगाह पा के सेवा बख्शी है आप जी की सरबत संगत को आप जी की बाणी उचारद्या विचारद्या बोलद्या सुनद्या अनेक ही प्रकार दुला चुका हो गया होनगिया आप जी अनजान बच्चे जान के क्षमा बख्शिश करनी पढ़ी सुनी बाणी सचखंड विखे प्रवान करनी बाणी का भाव बाणी का की कखर सारी संगतां दे हिरद्या विच वसाना दार पातशाह सारिया संगतां दे परिवारां नूं सुख शांति देह रोगता तंदुरुस्ती दे दान बख्शने दसां नूं दियां सच्चियां सुचियां कित कमाईयां बरकतां पाना बच्चों चंगी सुमत बख्शनी बच्चों माता पिता का आग्ञाकार बनाना देश कौम का सेवादार बनाना विद्या के दान बख्शने कारोबार के दान बख्शने आप जी की संगतां दे बच्चे देश विदेश जिथे भी रह रहे हो आप जी ने अपनी बख्शिश भरी निगाह हमेशा उन्होंने बना के रखना सच्चे पातशाह आप हमेशा अंग संग सहाई उन्होंने चढ़ती कला रखना दतार पातशाह
आप जी दे हजूर अरदास बेनती आप जी दे दरो करो दे साडे प्यारे पिंड जसमीत कौर जी हरलीन जी प्रीति जी नूं दे रुकता तंदुरुस्ती दे दान बख्शो आया होया श्री कष्ट आप ही उहदा निवारण करो दतार पातशाह जो भी उहनां नूं परिवारिक समस्यावां उहनां दे हल भी आप जी ने ही कढ़ने हन बच्चा ईशप्रीत सिंह अजीत सिंह भैन जी कवलदीप कौर जी नूं दे रुकता तंदुरुस्ती दे दान बख्शो सच्चे पातशाह उहनां नूं भयानक बीमारियां तों बचा के रखो चढ़दी कला विच रखो सच्चे पातशाह बच्चा इशप्रीत सिंह मान जो मानसिक रोगी उस बच्ची नूं दे रोकता बख्शो बच्ची अवि कौर नूं नेत्रां दी ज्योति दी प्रॉब्लम है सच्चे पातशाह जी उस बच्चे नूं उहदी ज्योति ठीक करो सच्चे पातशाह उस बच्ची नूं दे रोकता बख्शो जो बच्ची ने कारोबार प्रारंभ कीते उहनूं चढ़दी कला विच रखना सच्चे पातशाह भैन जी सुखमनदीप जी नूं जो भी उहनां दी परिवारिक समस्या उहनां दे हल आप जी ने ही करने हन दतार पातशाह ਹੋਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਸ਼ਪਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੱਚੀ ਮਨਰੀਤ ਕੌਰ ਜੋ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਬੋਲ ਬਖਸ਼ੋ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹਰ ਜਸ ਕੀਰਤਨ ਗਾਇਨ ਕਰ ਸਕੇ ਦਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਪ ਜਾਣੀ ਜਾਨ ਪਿਤਾ ਉਹ ਭੈਣ ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰੁਕਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰਕ ਕਸ਼ਟ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਾਰ ਪੈਰ ਦਿਨ ਦੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੋਇਆ ਬੀਤੇ ਹਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਪੈਰ ਰਾਤਰੀ ਦੇ ਸੁੱਖ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬਿਤਾਉਣਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਾਈ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਕੰਮ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਸੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਜੋ ਨਾ ਭਾਵੇ ਸੋ ਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਖਸ਼ਣਾ ਦਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਹੁਣ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਇਲਾਹੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ ਉਪਰੰਤ ਰਹਿੰਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਣਾ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਿਆਨ ਫੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਦਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਾਗਰਨ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਾਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਸਰਬਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲੋ ਜੇ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਆਸੀ ਦਿਨ ਸਰਾਤ ਚਿਤਵੋਨ ਦਿਨ ਨੀਤ ਖੋਲ ਕਪਟ ਗੁਰ ਮੇਲਿਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਸੰਗ ਮੀਤ ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ ਤੇਤੇ ਅਵਗੁਣ ਹਮਾਰੇ ਦਇਆ ਕਰੋ ਕਿਛ ਮੇਰ ਪਾਓ ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰ ਤਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਨ ਬਰਾਬਰ ਤੱਪੇ ਪੀਤਰ ਵੱਗੇ ਕਾਤੀ ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੈ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੈ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਸੋ ਕੋਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਏ ਐਨ ਸੋ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੀਐ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਜਾਏ ਹੋਵੇ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਚਟੀਏ ਤੁਧ ਡਿੱਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕਟੀਏ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ ਠਾਕੁਰ ਰਾਖੇ ਜਨ ਕੀ ਆਪ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਹਰ ਨਿਦ ਦੁੱਖ ਨਾ ਸਕੇ ਵਿਆਪ ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ ਠਾਕੁਰ ਰਾਖੇ ਜਨ ਕੀ ਆਪ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਹਰ ਨਿਦ ਦੁੱਖ ਨਾ ਸਕੇ ਵਿਆਪ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਭਜੋ ਗੋਪਾਲ ਆਨ ਸੰਜਮ ਕਿਛ ਨਾ ਸੂਜੇ ਇਹ ਜਤਨ ਕਾਟ ਕਲ ਕਾਲ ਰਹਾਓ
आदि अंत दयाल पूरन किस बिना नहीं कोए जन्म मरण निवार हर जप सिमर स्वामी सोए वेद सिमरत कथे सासत भगत करे विचार मुकत पाइये साध संगत बिनस जाए अंधार चरण कमल आधार जन का रास पूंजी एक तान मान दीवान साचा नानक की प्रभ टेक चरण कमल आधार जन का रास पूंजी एक तान मान दीवान साचा नानक की प्रभ टेक वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह जी बोले सोने हाल सात श्री अकाल वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह जी संगत जी अरदास बेनती करदे आ हुक्मनामा साहब लैंदे होइया बयान फुलां चुकां नूं संगत बख्शन हार जी वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह जी गुरु प्यारी साध संगत जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जी बहुत 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 धन्यवाद जी बेनती शुकराना संगत जी जसमीत कौर जी आज की टर्न की दी है जी जसमीत कौर जी जी करमजीत पैन जी कह रहे जी वही लैन गया दोबारा फिर तो बाकी देख लो कीर्तन करना था नहीं नहीं कथा ही करनी स्वरणजीत कौर जी पहले करेंगे उस तो बाद करमजीत कौर जी आप भी तैयार हो करमजीत कौर जी करमजीत जी आप भी रेडी हो हाँ जी अमनदीप कौर जी आप जी का सेवा तैयार है जी आप जी अमनदीप कौर क्योंकि ना फ्राइडे जेड़ा है असी डिस्कस करना है अगला सेशन अमनदीप कौर जी असी ना फ्राइडे नू संगत नाल मिल के ना अगला सेशन डिस्कस करना है कि जेड़ा पार्ट टू शुरू करना है वो किस तरह करना है अगर आप जी का अगर सेवा तैयार है तो आप जी आज आज आप जी कर लो अगर हो जाएगी आज के दिन विच अमनदीप जी आवाज नहीं आ रही चलो आवाज नहीं आ रही आप जी दी स्वरणजीत कौर जी आप जी शुरू करो स्वरणजीत जी कौर जी तो बाद करमजीत कौर जी आप रेडी रहना ठीक है चलो प्लीज शुरू करो स्वरणजीत कौर जी वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह जी संगत जी जो किताब आप शुरू करी तरत आनंदपुर दी ओदा जो अज पाठ पढ़ना जात पात का खात्मा करके नीचो उच करन वाली धरत आनंदपुर दी जात पात का खात्मा करके नीचो उच करन वाली धरत आनंदपुर दी हिंदुस्तानी परजा दी बदकिस्मती जो मनु ने जात पात वरण वंड का जूला परजा उपर रख दिता सी परजा ने भी उसनु इलाही हुक्म जान के प्रवान कर लिया अते समय दियां परतां ने जात पात वर्ण वंड दियां जंजीरां इन्नियां कस दित्तियां के जात पात वर्ण वंड दियां पीढ़ियां गंढां विच्चों भारत वर्ष दी जनता नू निकलना नामुमकिन हो गया इस वर्ण वंड विच ब्राह्मण दी तां सरदारी चल रही सी पर आम जनता इस वर्ण वंड ते जात पात की चक्की विच पिस रही सी इस वर्ण वंड ते जात पात ने देश विच इन्नियां वंडियां पा दित्तियां सन के नौ पूर्वीए बारह चुल्हे की अखाण इन बिन हर पिंड हर घर विच वरत रही सी साहिबे कमाल श्री गुरु गोबिंद सिंह जी पुस्तक दे लिखारी लाला दौलत राय जी लिखते हैं कि साकत मत वाले बेरहमी बद खिलाकी अपवित्रता फैलाउण विच लगे हुए सन सहम मत वाले चरस गांजा भंग अफीम शराब पी के दिन रात मदहोशी विच दिन कट्टी करदे सन इन्हां तों इलावा होर अनेक फिरके सन जो एक दूजे की विरोधता तो सिवा कुछ भी नहीं सन करदे
हिंदू कौम दे दिल दिमाग भी अपने नहीं सन रहे, एक दूजे नाल लड़न ते खैबड़न तो सिवा वह होर कुछ नहीं जानते सी। परमात्मा की पूजा का त्याग करके लोग पशुआ ते प्रकृति की पूजा विच ग्रसे हुए सन। दीन ते दुनिया दोहां तो कुत्थे ते कुराहे पए हुए सन। रस्मां भरमां बहमां दे जाल विच जकड़े हुए सन। एक दूजे दे भले दा उन्हां दे मन विच रंचक मात्र भी विचार जां फुरना नहीं सी। ऐसी हालत विच उन्हां दा धार्मिक अते समाजी वितकरियां तों उपर उठ के आपस विच मिलवरतन लई सुपना लैणा भी अणहोणी जिही गल सी। सारा देश जात पात वर्ण वंड विच वंडिया होया सी। सारा देश जात वर्ण विच वंडिया होया सी। ओह एक परमात्मा दी होंद हस्ती ते पूजा तों कोहां दूर भटक रहे सन। वख वख देवतियां अवतारां बुत पूजा मनुख पूजा ते पशु पूजा दे अडंबर दा शिकार हो चुके सन। विद्या तो उक्का ही कोरे सन। ब्राह्मण जोकां वांग लुकाई दा खून चूस रहे सन। कौम अंधकार विच गर्क रही सी। ना तो उन्हां नूं अपने आप ते अते ना ही धर्म ते विश्वास सी, जिस कारण उह नफरत दा शिकार बन चुके सन। ना उन्हां दा एका किसे रस्म रिवाज विच, ना खाण विच, ना रहन सहन विच, ना राजकाज विच कोई सांझी सोच सी। मुकदी गल के किसी पक्ष विच भी उन्हां दी सांझ प्यार नहीं सी। एक दूसरे नाल मेल मिलाप पक्का ही नहीं सी। एकता दी गल तां दूर दी सी। सारी हिंदवायण उपर लिखे कारणां कारण बलहीन गैरतहीन बुद्धहीन अणखहीन हिम्मतहीन प्यारहीन ते इतफाकहीन हो चुकी सी। कोई गल भी अजिही नहीं सी दिसदी जिस दे तुफैल देशवासियां नूं इकट्ठियां करके किसी उदेश लई एक मंच ते इकट्ठा किया जा सके। हर पासे हार ते ढैंडी कला दे चिन्ह भी दिखाई दे रहे सन। हर पासे हिंदू जाति खुदगर्जी दी नींह विच कूक सुत्ती पई सी। कसत्री कसत्री ना रहे, ब्राह्मण दूसरियां नूं मिटा के खुद आप मिट रहे सन। ना किसी की इज्जत ते ना पत, ना किसी की दौलत ते ना ही जायदाद। हर पासे बद अमनी ही बद अमनी सी। हर पासे खतरे की तलवार हर मनुख के सिर ते लटकी रहिंदी सी। दूसरे पासे मुसलमान खुदा प्रस्त सन। उन्हां दा खाण पान पहनण एक सी ते निशाना भी एक ही सी कि काफरां नूं लुट्टो मारो ते जिस तरह भी हो सके काफरां नूं मुहम्मदी कलमा पढ़ाओ ते खुदा की प्रसन्नता प्राप्त करो। मुहम्मदी कलमा पढ़ाउण ते मुहम्मदी उम्मत विच वाधा करन नूं ओह सवाब दा कम समझ के करदे सन। इस लई हिंदुस्तानी तुरकां दा मुकाबला ना कर सकदे सन ते ना ही कर सके। इस सारे वितकरे दी जड़ जात पात ते वर्ण वंड नूं दूर करन वास्ते सतगुरु श्री गुरु नानक महाराज जी ने उपदेश भी दिता, उद्यम भी आरंभिया अते अपने जीवन विच प्रैक्टिकल करके भी दर्शाया ते लुकाई नूं दुहाई दे के कहा कि परमात्मा ने सारे बंदे पंजां तत्तां दे बनाए हन। हर अंग दी बणतर इको जिही, ब्राह्मण दी उहो जिही, खत्री बैस ते शूद्र दी भी है। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਉਂਗਲਾਂ, ਖੱਤਰੀ ਦੀਆਂ ਚਾਰ, ਬੈਸ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਦੀਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੋ ਉਂਗਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਰਨ ਵੰਡ ਜਾਤ ਵੰਡ ਸਰਾਰਤੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਕਾਢ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਆਪ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕੋ, ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਬੇਮਾਨਾ ਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੱਕੜ ਜਾਤੀ ਫੱਕੜ ਨਾਉ, ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਇੱਕਾ ਛਾਉ। ਹੇ ਭਾਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਜਾਣੋ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਵਰਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ
उपरोक्त उपदेश दृढ़ कराने लई उपदेश कीता। जात का गर्भ ना करो कोई, ब्रह्म बिंदे सो ब्राह्मण होई। जात का गर्भ ना कर मूर्ख गवारा, इस गर्भ ते चले बहुत विकारा। रहाओ माटी एक सगल संसारा, बहुविध भांडे घड़े कुमारा। जात पात वर्ण वंड दे कोड़ नू खत्म करन वास्ते श्री गुरु अमरदास पातशाह जी ने तो सर्वत संगत नू हुक्म ही कर दिता सी के पहले पंगत पाछे संगत। श्री गुरु रामदास जी ने महान बख्शिश करके जात पात दे भूत नू अलविदा कहन लई श्री अमृतसर शहर की स्थापना की। मोचियां नू जिन्हां नू पिंड शहरां विच हमेशा लहिंदे पासम वलों बसों लई थां दित्ती जांदी सी, उन्हां खोती सूदरां नू जिन्हां दा काम मुरदार ढोणा ते जोड़े गंढण दा ते बनाउण दा कीता सी, श्री हरिमंदर साहब दे नाल चढ़दे पासे थां दे के उस दा नाम मोची बाजार रखिया गया। पांचवें पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी ने श्री हरिमंदर साहब की स्थापना अते अमृत सरोवर नूं पक्कियां करन दा काम शुरू किया। हरिमंदर साहब विच बिना जात पात वर्ण वंड तो हर मनुख शब्द गुरु नूं मत्था टेक के अमृत सरोवर विच इक्को थां इसनान कर सकता है ते बंदगी कर सकता है। सतगुरु अर्जन देव जी ने महाराज जी ने माजवां दे झगड़े तो उपर उठ के श्री हरिमंदर साहब दी नीह समय दे पुगे हुए मुसलमान फकीर साई मिया मीर जी पासों रखवाई। चार इट्टां रखण तो बाद साई ने पंजवीं इट चौहां इट्टां दे विचकार रखी। सतगुरु अर्जन देव जी ने साई जी नूं पुछया कि पंजवीं इट तुसीं किस वास्ते रखी है। साई मिया मीर जी ने कहा सी ਇਹ ਇੱਟ ਮੈਂ ਮੱਕੇ ਦੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਮੱਕਾ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਮੱਕੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਜਾਤੀ ਹਰ ਵਰਨ ਤੇ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਨ ਤੇ ਹਰ ਜਾਤ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਸੇਵਕ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਸੀ। ਸੱਤਵੇਂ ਅਤੇ ਅੱਠਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਪੁੱਛੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ। ਨੌਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਰ ਹਿੱਤ ਲਈ ਜਿਸ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਆਪ ਜੀ ਧਾਰਨੀ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਪਹਿਨਦੇ ਸਨ, ਪਰਾਏ ਧਰਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੀਸ ਭੇਟਾ ਮੰਗੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਖੱਤਰੀ ਨਾਈ ਝੀਬਰ ਛਿੰਬੇ ਅਤੇ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕੀਤੇ। ਵਰਨ ਵੰਡ ਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਜੂਲਾ ਲਕਾਈ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਾਤੀ ਦੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ। ਉਸ ਵਾਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਵਾਰੀ ਚੂਲਾ ਸੱਕ ਕੇ, ਪੰਜ ਵਾਰੀ ਸੀਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੰਜ ਵਾਰ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਖੁਦ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਪਾਸੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਭੂਤ ਨੂੰ ਸਦਾ ਦੀ ਨੀਂਦਰੇ ਸਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਹੁਕਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਭਿਲਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵਾਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਤੇ ਵੰਸ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਢੀ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਦੀ ਹੈ ਨੂੰ ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਸਕੇ ਹਮਵਾਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਵਰਨ ਵੰਡ, ਗੋਤ ਵੰਡ, ਜਾਤ ਵੰਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ
मंजिला मार दे चौथे दिन श्री आनंदपुर साहब पुजे। कलगीधर जी ने बड़े प्यार नाल पिता गुरदेव जी का शीस चौंकी उपर दुसाला सजा के रखिया अते भाई जैता जी नू गल बखड़ी पा साती ना ला के बर दिता। रंगरेटे गुरु के बेटे सतगुरु जी ने ता अजहे पूरने बाहे जिस दिन मिसाल किते दुनिया अंदर होर किधरे नहीं मिलती। चमकौर दी गड़ी छड़न तो पहला सतगुरु जी ने भाई संगत जी नू चमकौर दी गड़ी छड़न तो पहला सतगुरु जी ने भाई संगत सिंह जी नू अपनी जिला जिगा कलंगी पहना के वचन किया अज तो खालसा गुरु गुरु खालसा होया। किन्नी दलेरी दृढ़ता ते साहस नाल सतगुरु जी ने जात पात वर्ण वंड दियां टिंडियां गंढा तोड़ियां जिस दी मिसाल किसे देश दे किसे कोने विच नहीं मिलदी। नीचों ऊच करे मेरा गोविंद दियां ए सारियां बख्शां कलगीधर पातशाह जी ने श्री आनंदपुर साहब की धरती तो लुकाई दी झोली विच पाईआं। इस लई हर मनुख श्री आनंदपुर साहब की पावन धरती का रोम रोम करके रिणी है। इस रिण नूं चुकाउण वाला केवल इको एक तरीका के जो सतगुरु जी ने पूरने पाए हन आपां सारे तनो मनो उन्हां पग चिन्हां उपर तुरीए ते आनंदपुर साहब की पावन धरती ते श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी दे पर उपकारां नूं याद करके आनंदपुर दे वासी बन के श्री गुरु खुशी नूं प्राप्त करिए अते गुरु चाली उपर चल के अपना लोक सुखी परलोक सहेला करिए। मुड़ जात पात वर्ण वंड दी जिलण विच ना फसीए ते कलगीधर जी दे महाबाक मानस की जात सबै एक है पहचान बोनू अपना जीवन आधार बनाइए तद ही साडा श्री आनंदपुर साहब जी का 305वां स्थापना दिवस मनाना सफल है। पर अज देखण विच आ रहा है कि जात पात दे चिक्कड़ चों कढ के सतगुरु जी ने हर मनुख नूं मनुख दा भरा बनाया सी। अज आपां सतगुरां दे उपदेश नूं भुल के मुड़ जात पात वर्ण वंड दियां पीढ़ियां गंढां विच जकड़े जा रहे हाँ। गुरद्वारियां दे नौ भी आपां जातां पातां बिरादरियां ते रख के गुरु घरां नूं भी नहीं बख्शिया। अज आपां नूं कलगीधर जी दी विशाल दिव दृष्टि नूं अपनी समृति विच वसाउण दी लोड़ है। गुरु दृष्टि नूं अपने समृति विच वसाउण दा यतन करिए। वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह जी। भुल चुक माफ करनी संगत जी। ਸਵਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਸਵਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਲਗਾਣੀ ਹੈ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਜਾਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਜੀ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਸਵੇਰ ਦੀ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲੀ ਵੀਰ ਜੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਾਅਦ ਚ ਮਤਲਬ 7:15 ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ 8 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀਰ ਜੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਖਰੀ 6 ਛੱਕੇ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਉਦੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲੀ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸਵੇਰ ਦੀ ਲਗਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲੀ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਜੇ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋ ਸਕੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਅਮਨਦੀਪ ਭੈਣ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਕੱਲ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਕੱਲ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਫਿਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨੋਟ ਇਟ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। वीर जी अगर आवाज कटे मेरी तो प्लीज दस देना।
ठीक है जी, मैसेज चेक कर लेना, मैसेज पा देंगे। ठीक है जी। संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की अमृतमई बाणी। श्री सुखमनी साहब जी की नौवीं विशेषता ही संगत जी अज आप पढ़नी है। नौवीं विशेषता ही है श्री सुखमनी साहब जी। श्री सुखमनी साहब जी की बाणी साढ़े परदे भी कजदी है। कलयुग का भारी समा है, साढ़े विच कई कमजोरियां होंदिया हन। जा ना भी होण कमियां किसे विच, ता उस दी सोभा नू वेख के, उस दी चढ़त नू वेख के, उस दी चढ़दी कला नू वेख के, कई ईरखा वस हो के हर वेले इस ताक विच रहिंदे हन कि कोई इस विच वीकनेस लभीए, जिस नाल इस दी बेइज्जती होवे, पिट्ठ लगे। भाव कि इह कलयुग है, आम लोकां विच इन्नी बर्दाश्त शक्ति नहीं हुंदी कि किसे नू वधदा फुलदा वेख सकन। पिछे जहे दासां दी इंग्लैंड हाजरी सी कीर्तन दी, उत्थे सेवा लई सतगुरु ने अपनी कृपा करके उत्थे असी जिन्हां दे घर ठहरा कीता, रॉबिन सिंह नाम है उन्हां दा, वर्ल्ड दे सब तो अमीर सिखां विचों हन शायद, पर निम्रता अत दी है, हथी सेवा भी करदे हन। इंग्लैंड दा जिहड़ा वीजा लगाउंदे हन उत्थों दे वड्डे अफसर नाल उन्हां दी बड़ी पक्की दोस्ती है। भाई रॉबिन सिंह ने सानू एक दिन बचन सुनाया, आखन लगा कि ओ मेरा अफसर दोस्त दसदा है कि सानू पंजाबियां दी बहुती जांच पड़ताल करन दी लोड़ नहीं पैंदी, क्योंकि इन्हां दे नेड़े नेड़े वाले, इन्हां दे अपने ही रिश्तेदार जां पिंड दे जान पछाण वाले, इन्हां दे अपने भरा सज्जन मित्र ही सानू इन्हां दीआं कमजोरियां आ के दस जांदे हन, जां चिट्ठी राही जां फोन राही दस देंदे हन कि इह फलाणा बंदा जिहड़ा तुहाडे कोल वीजा लगवाउण आया है, इस दीआं फलाणियां फलाणियां कमजोरियां हन, इह बंदा गलत है, भाव कि बर्दाश्त शक्ति नहीं, इस लई हमेशा इस कोशिश विच हुंदे हन कि किवें दूसरे दे परदे नंगे कीते जाण। साडा एक एक रोम भी गुरु अर्जन देव जी दीआं देणियां नहीं दे सकदा। श्री सुखमनी साहब जी दी बाणी, श्री सुखमनी साहब जी दी बाणी विच ओह खजाना पाया कि इह साडे परदे वी कजदी है। सुखमनी साहब नाल प्रीत करन वालिआं दे जिन्ने मर्जी निंदिया चुगली करन वाले, ईरखा करन वाले पैदा हो जाण, कोई उहनां दा वाल वी विंगा नहीं कर सकता। जिहड़ा गुरु वाला बणे सुखमनी साहब जी दी बाणी दा नेमी होवे, अंदरों निर्मल होवे, किसे दा बुरा ना मंगे ना बुरा करे, गुरु दे दसे मार्ग ते तुरन वाला होवे, फिर उसका बुरा मंगन वाले उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कोई चाहे भी उस नाल धोखा करना, हेरा फेरी करनी नहीं कर सकता। गुरु उसके अंग संग होके उसकी राखी करता है, पैज रखता है वह अपने प्यारियां दी, अपनी बाणी नाल प्रेम करन वालियां दी कदी पिट्ठ नहीं लगन देंदा। गजनी शहर विच गुरु अर्जन साहब जी दे समय एक सिख होया है भाई कटारू, करियाने की दुकान करदा सी। हर वेले गुरु अर्जन साहब दे चरण हिरदे विच वसा के रखण वाला सुखमनी साहब दी बाणी दा नेमी, सुखमनी साहब दे पाठ दा नेम भुगता के अपनी दुकान ते जांदा सी। दुकानदारी भी ऐसी खुला ते दयालु सुभा, सौदा चंगा ते शुद्ध अते पूरा तोलना, सही रेट लगाना। इत्थे एक गल याद रखियो, जिथे दुकानदारी विच एहो जिहा सुभा होवे उत्थे गुरु भी दोवें हाथ खोल के बरकतां पाउंदा है। दयालु खुला सुभा, सब दा भला करन वाला सुभा। जे कोई गरीब लोड़वंद आके कहिंदा है कि मेरे कोल पैसे नहीं, मैनूं उधार सौदा दे दे, दयालु सुभा किसे नूं ना नहीं करदा। दयालु सुभा किसे नूं ना नहीं सी करदा। सौदा भी सही रेट ते वेचना, सुभा भी खुला ते दयालु, नाम दा रंग भी। इतने शुभ गुणा कारण सारे पासे भाई कटारू दी जय जयकार होण लग पई। घर विच भाई कटारू दी चर्चा होण लग पई कि धन है गुरु दा सिख भाई कटारू। दास तां कई वारी सोचदा है कि गुरु दा सिख इहो जिहा होवे, इन्नी उच्ची ते सुची करनी दा मालक होवे
कि जेड़ा उसके दर्शन करे उसके अंदरों ये निकले कि वाह भाई सिखा तू इन्ना धन है तेरा गुरु किन्ना कु धन होवेगा। हुण एक गल याद रखियो जिसकी सोभा होवे उस नाल ईरखा करन वाले भी जरूर ही हुंदे हन। भाई कटारू की भी सोभा कईयां कोलों बर्दाश्त ना होई ते उस नाल ईरखा करन लग पए। कहिंदे हन कि इसका बड़ा सत्कार है इलाके विच पर सानू कोई पुछदा नहीं। ईरखा वस होके हर वेले स्कीमां बनाउंदे हन कि केड़ा ढंग अपनाइए कि जिस नाल भाई कटारू की बदनामी होवे। बड़ी घटिया स्कीम बनाई कहिंदे हन कि यह भोला भाला सिख है इसकी दुकान ते जाके चलाकी नाल इसके वट्टे बदला देंदे हाँ ते महकमे वाले नूं शिकायत कर देवांगे। आपे जदों महकमे वाले आके इसके वट्टे चैक करनगे तां वट्टे हल्के होण कारण इसनूं सजा होवेगी। वेखो किन्नी डूंगी स्कीम बनाई। कहिंदे जदों वट्टियां विच फर्क निकलेगा तो सारे इलाके विच ही इसकी बदनामी होएगी। सारे कहणगे कि इह तां ही बड़ा दयालु बन के दिखाउंदा सी तां ही सौदा खुला तोलदा सी क्योंकि वट्टे ही हल्के रखे हुए सन। अपनी बनाई स्कीम मुताबक 5-7 शरीर इकट्ठे होके भाई कटारू की दुकान ते गए। उसनूं सौदा लैण दे बहाने गल्लां विच लगा के उसके वट्टे बदला दिते। चलाकी नाल उसके वट्टे चुक के हल्के वट्टे रख दिते। उधर महकमे वाले नूं शिकायत कीती हुई सी। थोड़ी देर बाद महकमे वाले आ गए ते कहन लगे कि भाई कटारू तेरी शिकायत आई है ते तेरे वट्टे चैक करने हन। जदों भाई कटारू ने गौर नाल अपने वट्टियां वल झाती मारी ते वेख के हैरान हो गया कि ये तां मेरे वट्टे ही नहीं हन। समझ गया कि किसी ने चलाकी नाल मेरे वट्टे बदला दिते हन। मैनू बदनाम करन दे लई इक गल याद रखियो जिसका प्यो जिसका मालक परदे कजन वाला होवे उसनू कौन बदनाम कर सकता है। गुरु का प्यारा सी गुरु के चरणों नाल जुड़न वाला सी जानदा सी जी की बिरथा होए सो गुर पै अरदास कर। गुरु साहब के चरणों से भरोसा सी जानदा सी इस समय जो औखी कड़ी बन गई है उस विचों गुरु साहब ही कढ़ सकते हैं। ओही इसनू इसके परदे कज सकते हैं उसनू बदनाम होने तो बचा सकते हैं। उस वेले नेत्र बंद करके गुरु साहब के चरणों का ध्यान करके चित जोड़ के अरदास कीती सतगुरु कृपा करो मेरी बांह फड़ो मेरी लाज रखो। सिख की फरियाद गुरु जिथे भी मर्जी होवे पहुंच जाती है। अमृतसर विच बैठे गुरु अर्जन देव जी कोल किसी सिख ने मंसूरी टका रख के मत्था टिकया। सतगुरु वो टका कदी सज्जी तली ते रख दे ते कदी खब्बी तली ते। सिख बड़े हैरान कहिंदे सतगुरु लोकी किन्नी किन्नी माया भेटा कर जांदे हन पर आप जी ने कदी हाथ भी नहीं लाया खजाने विच रखवा देंदे हो अज ये की कौतक है। सतगुरु कहन लगे गजनी विच बैठा साडा सिख भाई कटारू अरदासां कर रहा है ईरखा वालिया ने उसके वट्टे बदला के उसकी महकमे विच शिकायत कर दिती है। महकमे वाले उसके वट्टे चैक करन लई कदी खब्बे छाबे ते रखते हैं ते कदी सज्जे छाबे ते। मैं इसलिए टका कदी सज्जी तली ते रख रहा हाँ ते कदी खब्बी ते ताकि मेरे प्यारे दे वट्टियां विच फर्क ना आवे। ईरखा वाले उसके वट्टियां विच फर्क पा के उसकी बदनामी करनी चाहते हैं। भाई कटारू सच्चा है भोला भाला है असी उसके परदे कज रहे हाँ। भाव की ये संसार है कई चाहते हैं कि दूसरे के परदे नंगे होने होण ते असी स्वाद लईए पर जिसते पल्ले सुखमनी साहब जी का तन है गुरु उसके परदे कजदा है। एक भाई त्रिलोका होया है गुरु अर्जन देव पातशाह दे समय इस गुरु साहब के चरणों विच आया ते बेनती कीती सतगुरु जी कोई उपदेश दिओ जिस नाल जीवन सफला हो जावे। सतगुरु ने पुछया भाई किरत की करदा है। भाई त्रिलोका कहन लगा जी मैं हकूमत दे हिफाजती दस्ते दा सिपाही हाँ। गुरु साहब ने उसनू 6 बचन कीते। गुरु साहब ने उसनू 6 बचन दिते। दास इत्थे एक बेनती कर देवे कि इन्हां बचनां नू पढ़ के छड़ना देना इन्हां नू विचार के अपने लई जिंदगी विच चलन लई सेध लैना क्योंकि इस तों वड्डा होर कोई रस्ता नहीं जे अपनी जिंदगी विच सड़क लैण लई।
गुरु नानक साहिब दस पातशाहियां दे रूप विच जदों शरीर करके आए किसी भी सिख नूं उन्हां ने जो रस्ता दिता उन्हां नूं किताबां च पढ़ के जां संगत विच सुन के असीं अपने अंदर झाती मारनी है, अपने आप नूं तोलना है कि जो रस्ते गुरु साहिबां ने अपने सिखां नूं बख्शे वो साडे कोल हैन जां नहीं। जे हैन तां सतगुरु की कृपा, जे नहीं तां सतगुरु की कृपा नाल उन्हां नूं समझ के उन्हां सड़कां ते चलन दा यतन करना है, उन्हां नूं अपने जीवन विच लियाउणा है ताकि साडा भी जीवन सफला हो सके। पढ़न दा असली फायदा तां ही है, नहीं तां बाणी विच भी लिखिया है, पढ़ पढ़ गड्डी लद्दी है, पढ़ पढ़ भरीए साथ। भाव की निरा पढ़ी जाण नाल गल नहीं बनती। ये दास ने थोड़ी जिही इसलिए विचार की है कि असी किधरे इन्हां बचना नूं पढ़ के इसलिए ना छड़ दईए कि यह बचन तो गुरु साहब ने भाई त्रिलोके नूं दित्ते सी, असी इन्हां तों की लैणा है। नहीं गुरु प्यारियो, गुरु साहबां ने अपने जीवन काल विच जो भी अपने सिखां नूं बचन दिते वो साडे लई भी उतने ही कीमती हैं, उतने ही अनमोल हैं, उतने ही जरूरी हैं। दास दा इन्हां बचना नूं लिखण दा ते तुहाडा इन्हां बचना नूं पढ़न दा तां ही लाभ है जे इन्हां बचना नूं पढ़ के अपने जीवन लई हीरे मोती इकट्ठे कर लईए। गुरु अर्जन साहब ने पहला बचन भाई त्रिलोके नूं दिता परमेश्वर दे दिते ते संतोख करना। दूसरा बचन सी क्रोध दा त्याग करना है। क्रोध तन नूं गालदा है, बाणी विच वी मोहर लगी है, काम क्रोध काया को गल है, ज्यो कंचन सुहागा टल है। तीसरा बचन जीवां ते दया करनी। चौथा बचन सुखमनी साहब दी बाणी पढ़नी ते सिमरन करना। पंजवां बचन भाणा मनना। छेवां बचन शरीर विचों हंकार दा त्याग करना। भाई त्रिलोका ने ये गुरु साहब दे दिते छे बचन अपनी झोली विच पवा ले, अपनी हिरदे दी डायरी ते लिख ले। भाई त्रिलोका दी हिफाजती दस्ते दी नौकरी सी, अपनी हुकूमत दे बादशाह नाल जांदा सी। इतिहास लिखदा है कि एक बारी अपनी हुकूमत दे बादशाह नाल भाई त्रिलोका शिकार करन जा रहा सी कि बादशाह ने शिकार करन लई अपनी तलवार कढ़ी। भाई त्रिलोके ने भी अपनी तलवार कढ़ी ते एक हिरनी दा शिकार किया। जदों शिकार किया तां हिरनी दा पेट फट गया। हिरनी दे पेट विच दो बच्चे सन जिहड़े इस दीआं अखां सामने तड़प तड़प के मर गए। इस दे मन ने आवाज दिती कि अज गुरु साहब दे दिते चौथे बचन की बेअदबी हो गई है। गुरु साहब ने बचन दिता सी कि जीवां ते दया करनी है। हुण सोचदा है की करां, हिफाजती दस्ते दा मैंबर हाँ, बादशाह दे नाल शिकार लई जाना पैंदा है, किहड़ा ढंग अपनावां कि गुरु साहब दे बचन की बेअदबी ना होवे, गुरु साहब दा बचन संभाल सकां। वाहिगुरु। सोच विचार के इसने ढंग की अपनाया, लोहे की तलवार कढ के लकड़ दी पा लई कि काठ दी तलवार नाल जीवां दी हत्या नहीं होवेगी। दो तीन हफ्ते बीते पर जिवें दास ने पहले भी लिखिया सी कि विच्चों ही हुंदे हन शिकायतां करन वाले, पर्दे नंगे करन वाले। उसदे साथियां विच्चों ही किसे ने बादशाह नूं शिकायत कर दिती कि भाई त्रिलोका लोहे की तलवार की जगह काठ की तलवार पाउंदा है। बादशाह ने सोचा जे कल्ले त्रिलोके की तलवार की चैकिंग करांगा तो उसनू पता लग जाएगा, तो हो सकता है किसी ने झूठी शिकायत की होवे, ते जे ऐसा होया तो उसनू बहुत बुरा लगेगा। ये विचार के उसने एक दिन अचनचेत ही ऑर्डर कढ़िया कि अज सारियां दीआं तलवारां चैक करनियां हन। हुण ध्यान देना, गुरु दे चरणां नूं संभालण वालियां दे सुखमनी साहिब दी बाणी दे नियमियां दे गुरु किवें पर्दा काचदा है, किवें पर्दे काचदा है। हिफाजती दस्ते दे 30-40 मैंबर सन, सारिया ने वारी वारी अपनियां तलवारां चैक करवाउणियां शुरू कर दित्तियां। हुण भाई त्रिलोका मन ही मन विच गुरु साहिब दे चरणां विच अरदासां कर रहा है, अंदर सुखमनी साहिब दीआं पंक्तियां पढ़ रहा है, अपने जन का पर्दा ढक है।
अरदासा कर रहा है कि सतगुरु आप ही कृपा करनी, आप जी का बचन संभालने लई काट दी तलवार पाई सी, आप ही कृपा करनी, मेरी इज्जत रखनी, मेरे पर्दे ढकने, लाइन लगी हुई सी, वारी वारी सारे अपनियां तलवारां चेक करवा रहे सन। जदों भाई त्रिलोके की वारी आई, इसने गुरु साहब के चरणों का ध्यान धर के अपनी तलवार म्यान विचों कढ़ी, तां अफसर नूं उह काठ की तलवार लोहे की तलवार की तरह लिशकदी नजर आई। हुण भाई त्रिलोका भी हैरान कि तलवार तां मेरी काठ दी ही है, फिर अफसर दी अखां ते किवें पर्दा पै गया। प्यारियो, ये कोई सिर्फ बीतियां साखियां ही ना समझना, अज भी जिस कोल सुखमनी साहब की दात है, ये साढ़े पर्दे काजदी है, वह गल बन जाती है। अखियां विच कट्टा, मूँह विच डट्टा, बिड़बिड़ तके बोल ना सके, होर भी कई पक्खां तो निरंकार अपने प्यारियां दी पैज रखता है, उन्हां दे पर्दे काजदा है, किसी भी पक्ष तो उन्हां दी पिठ नहीं लगन देंदा। गुरु साहिब दे समय दियां भी ऐसियां मिसालां मिलदियां हन। सूरज प्रकाश ग्रंथ विच एक कथा मिलती है शीहा ते गजन, शीहा ते गजन दी। शीहा गजन दोनों भाई आए सतगुर की सरणाई, ये दोवें भरा होए हन गुरु नानक साहब दे समय। गुरु नानक साहिब ने इन्हां नूं वचन किया सी कि दो वेले सत्संग करिया करो। इत्थे दास एक गल खोल देवे, सत्संग तो भाव सिर्फ इकट्ठ तो ना लेना, इकट्ठ विच भी संगत होंदी है, पर जदों तुसी दो चार शरीर रल के भी गुरु दियां विचारां, गुरु दियां कथा कहानियां करदे हो तां इह भी सत्संग है। सत्संग तुसी इकल्लियां भी कर सकदे हो, इकल्लियां घर बैठ के टेप ला के भी संगत हो जांदी है, बाणी पढ़ के भी संगत हो जांदी है। सत्संग गुरु दे इतिहास दी कोई किताब जां कोई होर धार्मिक किताब पढ़ के भी इकल्लियां हो जांदी है। किसी ने बाबा आनंद सिंह जी ने सवाल कर दिता सी कि दो वेले सत्संग का की लाभ है। बाबा जी कहन लगे, भांडा इन्ना मैला नहीं हुंदा कि कई जन्म वारी ही ना आवे, मैल नालों नाल धोती जांदी है। तुसी कदी नोट करो, कपड़ा घट गंदा होवे, बड़ी सौखी तरह धोण नाल मैल लथ जांदी है। जितना कपड़ा वध मैला होवे उतना ही साफ करना औखा हुंदा है, समा भी ज्यादा लगता है। इस तो इलावा कई कपड़े ऐसे भी हुंदे हन जिन्हां नाल कारां मशीनां दे पुरजे आदि साफ किते जांदे हन, जिन्हां दी कालक ऐसी पक्की हुंदी है कि हजारां वार धोण नाल भी साफ नहीं हुंदी, कपड़ा फट जाएगा पर साफ नहीं होवेगा। बाबा जी बचन करदे सन कि इसे तरह जे कोई अमृत वेले उठ के बाणी पढ़दा है, बाणी नाल जुड़दा है, उसदे रात दे कीते पाप धोते जांदे हन, ते जदों रात नूं जुड़दा है तां दिन दे कीते पाप धोते जांदे हन, पाप जमा नहीं हुंदे। दो वेले सत्संग करन नाल नालों नाल भांडा साफ हुंदा जांदा है। इन्हां दोवां भरावां ने गुरु साहिब दा बचन संभाल लिया, दो वेले बाणी पढ़न नाल जुड़ना, दो वेले बाणी नाल जुड़ना, संगत भी करनी। इतिहास लिखदा है शीहे दी लड़की दी शादी आ गई, घर विच कोई बहुत अमीरी नहीं सी, बस आई चलाई सी, मन विच भावना बनी कि विआह तो पहला घर विच संगत दे चरण भी पवाए जाण, घर विच सत्संग करवाया जाए। घर विच सत्संग करवाया, बरात लई जो रसद लियांदी गई सी उस विचों काफी सारी रसद संगत दे लंगर ते लग गई, समर्था अनुसार थोड़ा बहुता होर राशन लियांदा गया। पुरातन समा ऐसा सी, दो तीन दिन बरात लड़की वालियां दे घर ठहरिया करदी सी, पर अचानक उन्हां नूं सुनेहा मिलिया कि बरात 7 दिन रुकेगी। उन्हां ने तां इंतजाम कीता होया सी 2 दिनां दा, 2 दिनां दे राशन दा, पर हुण सोचदे हन कि 7 दिन बरातियां दी खातरदारी किवें होवेगी। शीहे दे अंदर भरोसा सी कि जिस गुरु दे चरण पड़े हन उह बहुत समर्थ है, वह आपे सारे कार्य सवारेगा, पैज रखेगा। कह लगा, किसी ने भी पदार्थों वाले बर्तना तो कपड़ा उतार के नहीं वेखना कि किन्नी चीज रह गई है, समान बनाई जावो, बर्तना विच पाई जावो ते वरताई जावो, ते आप गुरु साहब के चरणों विच गल विच पल्ला पा के अरदास कर दिती, सतगुरु जी धी का कारज है,
आप लाज रखनी पर्दे कजने। इतिहास लिखता है कि 7 दिन 7 रात बरात रुकी, सब ने पकवान छके, किसी भी पदार्थ की कोई कमी ना आई। एक गुरु साहब का चोज ही सी, बस हर संगत का प्रेमी हाथ विच कुछ ना कुछ लैके ही आ रहा सी। गुरु साहब ने संगत राही बरकत पवा दिती, क्योंकि उसका सुभा है पर्दे कजने। एक बारी फरीद जी तुरे जा रहे सन, रस्ते विच कबरां आ गई रस्ते विच कबरां आ गई, उत्थे एक कबर खाली पई सी। उस कबर विचों आवाज आई, फरीद किधर जा रहा है, किथे दुनिया दे झमेलिया विच फसिया पिया है, एक दिन तां तू मेरे कोल ही आना है, छड़ खिलारिया नू ते हुणे ही आ जा मेरी गोद विच। ये पढ़ के हो सकता है कईयां दे मन विच शंका पैदा हो गया होवे कि कबर विचों मिट्टी विचों आवाज किवें आ सकती है। एक गल जान लैनी, जिहड़े परमात्मा दे भगत हुंदे हन, नाम बंदगी विच रंगे हुंदे हन, जिन्हां दी सुरत नाम जप जप के उच्ची हो जाती है, वह मिट्टी नाल पानी नाल हवा नाल भी गल्लां कर लैंदे हन। उन्हां नूं सृष्टि दे पत्ते पत्ते विचों हर कण विचों परमात्मा की आवाज सुनाई देती है। गुरबाणी विच इस समय की गवाही है, फरीदा गौर निमाणी सड करे निगर या कर आओ, सर पर मैथे आवना मरना ना डरियाओ। कबर विचों आवाज आई, कबर विचों आई ये आवाज सुन के एक बारी फरीद जी दे पैर रुक गए, मन कंब गया, सोचिया वाकई ही एक दिन तो मैं मिट्टी की गोद विच ही आना है। फरीद जी 1-2 मिनट रुके, अंतर ध्यान होए ते फिर तुर पए। मिट्टी विचों फिर आवाज आई, फरीद कि तेनू मेरी गोद चंगी नहीं लगी। हुण फरीद कहन लगे, ऐ मिट्टी मैनू एक गल का जवाब दे कि तेरे कोल केड़े गुण हन जो मैं तेरे कोल आ जावा। मिट्टी कहन लगी, मेरे कोल 3 ऐसे अनमोल गुण हन जिन्हां नू सुन के तू हैरान हो जावेगा। फरीद जी मिट्टी कोलों उसके गुण सुनने लई रुक गए। मिट्टी कहन लगी, मेरे विच सब तो पहला अनमोल गुण है, जदों प्राणी नू कोई नहीं संभालदा कहिंदे लै जावो इसनू, उदों मैं संभालदी हाँ। दूसरा गुण, मैं प्राणी दे थले उत्ते पै के उसके परदे कजदी हाँ। तीसरा गुण, मैं मिट्टी हाँ ते कुछ चिर बाद प्राणी नू अपना ही रूप भाव मिट्टी ही बना देंदी हाँ। मिट्टी कोलों उसके गुण सुन के फरीद फिर तुर पए। मिट्टी कहती है कि तेनू मेरे गुण चंगे नहीं लगे, मेरे गुण सुन के भी अगह तुर पिया है। फरीद कहते हैं, मिट्टी ये 3 गुण मेरे मुरशद जिस दे मैं चरण पड़े हैं उस विच भी हैं। प्यारियो तुसी भी ये गल अपने ते लै आवो, ये 3 गुण तुहाडे मुरशद, तुहाडे पिता, तुहाडे मालक, तुहाडे गुरु नानक जिस दे तुसी चरण फड़े हैं उस विच भी हैं। पहला गुण, किसी प्राणी नू भावे करों लख तक्के पैंदे होण, लख लानता पैंदियां होण, जे ओ गुरु दे द्वारे जावे, गुरु घर जावे, कोई नहीं कहिंदा इत्थे क्यों आया है। दूसरा गुण, जिस बारे साडी विचार चल रही है, जे तुसी गुरु नानक दे घर नाल जुड़े हो, तुहाडे घरां विच अमृत वेला है, नाम बंदगी दी दात है, सुखमणी साहिब दी दात है, कोई तुहाडे ते एकदम पीड़ बन जावे, कोई औखी कड़ी बन जावे, कोई सिर ते मुश्किल आ जावे, वह परदे काजदा है, जिवें मर्जी औखा वेला लंघावे, साडी बांह फड़दा है, औखी कड़ी तो बचाउंदा है। वाहिगुरु। तीसरा गुण, बाणी नाल सिमरन नाल जुड़न वालियां नूं गुरु नानक अपना रूप बना देंदा है। संगत करन वाले विच ए बाणी नाल मन करके जुड़न वाले विच हौली हौली गुरु नानक दे गुण आने शुरू हो जाते हैं। ऐ मिट्टी, मेरा मालक संभालदा भी है, परदे भी कजदा है, ते तू अपना रूप मिट्टी बनावेंगी। मेरा मालक तू अपना रूप मिट्टी बनावेंगी, मेरा मालक अपना रूप मालकी बना देंदा है। इसलिए प्यारियो, साड़ी गोद गुरु नानक ही होवे। संगत जी, अज इन्ना ही।
ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵੀਰ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆ ਗਈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਗਈ ਨਾ? ਆ ਗਈ ਆ ਗਈ, ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਕੁਛ ਪੰਗਾ ਪਿਆ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਕਥਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸੁਣਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਈ ਸੰਗਤ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੀ ਨਿਤਨੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਟ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਸਭ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜੀ ਇਹਨੇ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਇੰਨੇ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨ ਲਾ ਵੀ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਵਾਲੀ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸੈਪਰੇਟ ਫੋਲਡਰ ਬਣਵਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ, ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਥਾ ਹੋਈ ਹੈ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਈਆਂ ਦੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਫੋਲਡਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੋਏ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਿਵਾਇੰਡ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਕਥਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੇਨਤੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੀ। ਟਾਈਮ ਲਗਭਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਆਪ ਕਰੋਗੇ ਸੇਵਾ, ਜਾਂ ਕਿਰਨ ਜੀ, ਜਾਂ ਨਵਜੋਤੀ ਜੀ? ਕਿਰਨ ਜੀ ਆਪ ਕਰੋਗੇ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਜੀ ਕਰਨਗੇ? ਕਿਰਨ ਜੀ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਕਿਰਨ ਸੋਹਲਿਆ ਜੀ, ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਜੀ? ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਕਰ ਲੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਸੋਹਿਲਾ ਰਵ ਗੋੜੀ ਮਹਿਲਾ ਫੈਲਾਏ, ਜੈ ਕਰ ਕੀਰਤ ਆਖੀਏ, ਕਰਤੇ ਕਾ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰੋ, ਤਿਤ ਕਰ ਗਾਵੋ ਸੋਹਿਲਾ, ਸਿਵਰੋ ਸਿਰਜਣਹਾਰੋ, ਤੁਮ ਗਾਵੋ ਮੇਰੇ ਨਿਰਭੋ ਕਾ ਸੋਹਿਲਾ, ਹਵਾਰੀ ਜਿਤ ਸੋਹਿਲੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਈ ਰਹਾਓ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਜਿਹੜੇ ਸੰਭਾਲਿਅਨ, ਦੇਖੇਗਾ ਦੇਵਣਹਾਰ, ਤੇਰੇ ਦਾਣੇ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੇ, ਤਿਸ ਦਾਤੇ ਕਵਨ ਸੁਮਾਰ, ਸੰਵਤ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ, ਮਿਲ ਕਰ ਪਾਵੋ ਤੇਲ, ਦਿਓ ਸੱਜਣ ਅਸੀਂ ਸੜਿਆ, ਜੇ ਹੋਏ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ, ਘਰ ਘਰ ਇਹੋ ਪਹੁੰਚਾ, ਸਦੜੇ ਨਿਤ ਪਵਨ, ਸੱਦਣ ਹਾਰਾ ਸਿਮਰੇ, ਨਾਨਕ ਸੇ ਦੇ ਅਵਨ, ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਛੇ ਗਰ ਛੇ ਗੁਰ ਛੇ ਉਪਦੇਸ਼, ਗੁਰ ਗੁਰ ਏਕੋ ਵੇਸ ਅਨੇਕ, ਬਾਬਾ ਜੈ ਕਰ ਕਰਤੇ ਕਿਰਤ ਹੋਏ, ਸੋ ਕਰ ਰਾਖ ਪਟਾਈ ਤੋਏ ਰਹਾਓ, ਵਸੀਏ ਚਸੀਆ ਘੜਿਆ ਪਹਿਰਾ, ਤਿੱਥੀ ਵਾਰ ਮਹੋਆ, ਸੂਰਜ ਏਕੋ ਰੁੱਤ ਅਨੇਕ, ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੇਸ, ਰਾਗ ਦਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਵ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਨੇ, ਤਾਰਿਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ, ਧੂਪ ਮਨ ਆਨ ਲੋ ਪਵਨ ਚਵਰੋ, ਕਰੇ ਸਗਲ ਬਨ ਰਾਈ ਫੁਲਨ ਜੋਤੀ, ਐਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਈ ਪਵ ਖੰਡਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ, ਅਨਹਤਾ ਸਬਤ ਵਾਂਝਤ ਫੇਰੀ ਰਹਾਓ, ਸਹਿਸ ਤਵ ਨੈਨ ਨਨ ਨੈਨ ਤੋ ਹੋਏ ਤਉ ਕੋ, ਸਹਿਸ ਮੂਰਤ ਤਨਾ ਏਕ ਤੋਈ, ਸਹਿਸ ਪਦ ਬਿਮਲ ਨਨ, ਸਹਿਸ ਪਦ ਬਿਮਲ ਨਨ ਏਕ ਪਦ ਗੰਧ, ਬਿਨ ਸਹਿਸ ਤਵ ਗੰਧ ਇਵ ਚਲਤ ਮੋਈ, ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਇਸ ਤੇ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ, ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਜੋਤ ਇਸ ਭਾਵੇ ਸੁ ਆਰਤੀ ਹੋਏ, ਹਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਕਰੰਦ ਲੋਭਿਤ,
मनो अंदिनो मोयाए प्यासा, कृपा जल दे नानक सारंग को, होए जाते तेरे नाई वासा। राग गोड़ी पूर्वी महला चौथा, काम क्रोध नगर पोपरिया, मिल साधु खंडल खंडा है, पूरब लिखत लिखे कुर पाया, मन हरली मंडल मंडा है, कर साधु अंजलि पुन वडा है, कर डंडोत पुन वडा है, रहाओ साकत हर रस साथ न जानिया, तीन अंतर होमे कंडा है, ज्यो ज्यो चले चबे तक पावे, चमकाल से टंडा है, अर्जन हर हर नाम समाणी, दुख जन्म मरण भो कंडा है, अविनाशी पुरुष पाया परमेश्वर, बहु शोक खंड ब्रह्मंडा है, हम गरीब मस्कीन प्र तेरे, हर राख राख बट बटा है, जन नानक नाम अधार टेक है, हर नाम में ही सुख मुंडा है, राग गोड़ी पूर्वी महला पंजवा, करो बेनंती सुन मेरे मीता, संत टहल की बेला, ई हाँ खाट चलो हर लाहा, आगे बसन सुहेला, औत खटे दिनस रहना रे, मन गुरमिल का सवारे रहाओ, ए संसार विकार संसे में, तरियो ब्रह्म ज्ञानी, जिसे जगावे प्यावे ए रस, अखत कथा तिन जानी, जाको आए सोई बिहाजो, हर गुर ते मने बसेरा, निज कर महल पावो सुख सहजे, बहोर न होए को फेरा, अंतर जामी पुरख पिताते, सरता मन की पूरे, नानक दास हे सुख मांगे, मोको कर संतन की दूरे, अंतर जामी पुरख पिताते, सरता मन की पूरे, नानक दास हे सुख मांगे, मोको कर संतन की दूरे। गोड़ी महला पंजवा, थिर कर पैसो हर जन प्यारे, सतगुर तुम रे काज सवारे, थिर कर पैसो हर जन प्यारे, सतगुर तुम रे काज सवारे, दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की पैज रखी करतारे, बादशाह सब वस कर दीने, अमृत नाम महारस पीने, निर्भो होए भजो भगवान, साध संगत मिल कीनो दान, शरण परे प्रभु अंतर जामी, नानक ओट पकरी प्रभ स्वामी, फिर कर पैसो हर जन प्यारे, सतगुर तुम रे काज सवारे। वाहेगुरु जी। श्लोक, गुरुदेव माता, गुरुदेव पिता, गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा, गुरुदेव सखा ज्ञान बंजन, गुरुदेव बंधव सहोदरा, गुरुदेव दाता हर नाम उपदेशे, गुरुदेव मंत्र निरोधरा, गुरुदेव शांत सतपुत मूरत, गुरुदेव पारस परस्परा, गुरुदेव तीर्थ अमृत सरोवर, गुरु ज्ञान मज्जन परंपरा, गुरुदेव कर्ता सब पाप परता, गुरुदेव पतित पवित करा, गुरुदेव आ चुका चुक चुक, गुरुदेव मंत्र चपुतरा, गुरुदेव संगत प्रभ मेल कर कृपा, हम मोड़ पापी जित लखरा, गुरुदेव सतपुर पार ब्रह्म परमेश्वर, गुरुदेव नानक नमस्कार। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वीर जी अरदास आप कर लो जी। वाहेगुरु, वाहेगुरु जी तुदिया गेर गेर दास मारी जियो प्रिंट सब तेरा कहूँ नानक सब तेरी वडियाई कोई ना हो न जाने मेरा अरदास एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह श्री भगवती दी साहिब
ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸ ਚੰਦਰ ਸੰਭਗਤੀ ਸਿਮਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਕੇ ਆਏ ਫਿਰ ਅੰਦਰਪੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਅਰਜਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਏ ਜਿਸ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਦੁੱਖ ਜਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਦਿਆ ਵਿਤਾਏ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਦੀ ਸਹਾਇ ਦਸਾਂ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਜੀ ਬੇਅੰਤ 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 ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਕੀਰਤਨ ਸੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਜਾਪ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ 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 ਹੀ ਸੁਖਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵਸ ਕੇ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਜੀ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਚਰਨਾਂ ਚ ਅਰਜੋਈ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰੋ ਕਰੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕੇ ਜਾਗਣੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕੀ ਦਾਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਤੋੜਦੇ ਖੁੱਲੇ ਗੱਫੇ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਵਾਜੋ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨੇ ਬਜਾਏ ਜੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀਓ ਸਹੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਭਗਤ ਜਨ ਮੇਲੋ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਕਾ ਮਿੱਠਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ ਜੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।